आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, आज की सभा के आयोजक साथियों, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप यहां पर उपस्थित हैं और मुझे आपसे कुछ बात कहने का, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो संवाद करने का मौका मिल रहा है। अपने देश भारत में जहां हम रहते हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अपना देश दुनिया में कई मामलों में अद्भुत है, ऐसा हम सब जानते हैं। अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने हम अभिमान से कह सकते हैं कि जो संस्कृति हमारे देश में है, जो सभ्यता हमारे देश में है, वैसी शायद ही दुनिया के किसी देश में मिलेगी। परंपराएं अपने देश में काफी पुरानी है, हजारों साल पहले की हैं, सनातन है, और ऐसे कम देश हैं दुनिया में जिसमें सनातन परंपराएं चलती आई हैं। बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां पर परंपराएं ज्यादा से ज्यादा 200-250 वर्षों तक चलती हैं, उसके बाद टूट जाती हैं। भारत में एक अद्भुत बात दिखाई देती है कि यहां परंपराएं हजारों साल पुरानी, कम से कम 5000 साल पहले जो थी वो आज भी यहां दिखाई देती। तो कई मामलों में ये अद्भुत देश दिखाई देता है। मैंने दुनिया के कुछ देश देखे हैं, उनकी तुलना जब मैं भारत से करता हूं तो बहुत कुछ नया सा दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए, अपना देश भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शायद प्राकृतिक संसाधन है पूरी दुनिया में। हमारे बराबर अगर हम कहें तो प्राकृतिक संसाधनों में एक ही देश है। हमारे बराबर देश अगर कोई है पूरी दुनिया में जो संसाधनों में बहुत रिच है, रिसोर्सेज जिसके पास बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, तो एक तो चीन हो सकता है, दूसरा ब्राजील है। हमसे आगे तो कोई भी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहां काफी बड़ी मात्रा में। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक नया राज्य बना है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, और ऐसा ही एक नया राज्य बना है, उसका नाम है झारखंड। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ नाम के दो प्रदेश भारत में ऐसे हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, आप इसका अनुमान ऐसे लगाएं कि यूरोप के 17 देशों को एक साथ मिला दिया जाए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, ये ऐसे कुछ 17 देश हैं, पुर्तगाल, स्पेन, सब उसमें मिला दिए जाएं, तो उन 17 देशों के पास जो कुल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे भी ज्यादा सिर्फ दो प्रदेश हमारे, छत्तीसगढ़ और झारखंड, नेचुरल रिसोर्सेज रखते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार में एक पेपर प्रेजेंट किया गया, उसमें यह कहा गया कि अगर सिर्फ झारखंड प्रदेश की जमीन के नीचे की कुछ खुदाई की जाए तो उसमें इतनी बेशकीमती चीजें निकलेंगी जिससे हम दुनिया भर की काफी चीजें खरीद सकते हैं, दुनिया भर के संसाधन खरीद सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक ही एक प्रदेश में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक और खास बात है अपने देश की, अपने देश की मिट्टी बहुत अच्छी है। मैं यूरोप के कुछ देशों में गया हूं, मैंने वहां देखा है कि मिट्टी बहुत खराब है, हार्ड है, बहुत कठोर है। ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में तो मिट्टी बहुत ही हार्ड है, अपने यहां की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। और खेती के लिए अच्छी मिट्टी तो वही मानी जाती है जो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत कोमल हो। मिट्टी अपनी बहुत अच्छी है, मिट्टी के साथ साथ पानी भी अपना बहुत अच्छा है अपने देश का, खेती के लिए भी और पीने के लिए भी। इतना अच्छा पानी कम देशों में है दुनिया। बारिश बहुत अच्छी होती है अपने देश में, बारिश होती है अच्छी से, मतलब जब हमें जरूरत होती है समय से होती है। और शायद दुनिया में अकेला भारत एक ऐसा देश है जहां पर 6 तरह के मौसम हैं, 6 ऋतुएं हैं। ज्यादातर दुनिया में एक या अधिक से अधिक 2 मौसम होते हैं। यूरोप में सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सर्दी और भयंकर सर्दी, कोल्ड एंड हार्ड कोल्ड उसको कहते हैं, या तो सर्दी होगी या भयंकर सर्दी होगी, गर्मी तो होती नहीं उनके यहां। और भयंकर सर्दी माने -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, भयंकर सर्दी माने सड़क पर बर्फ जमी हुई, छत पर बर्फ जमी हुई, घर के सामने बर्फ जमी हुई।
यूरोप के अधिकांश परिवारों में क्या होता है, दरवाजे 3-4 बनाए जाते हैं, उनमें से एक दरवाजा छत पर खुलता है। तो वो छत का दरवाजा तब काम आता है जब बर्फ जम जाती है चारों तरफ, तो छत से निकल के जाना पड़ता है। तो ज्यादातर देशों में, या अफ्रीका में जाएं तो दो मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। यूरोप में जाएं तो सर्दी, भयंकर सर्दी। अमेरिका में भी उसी तरह का है। साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो जरूर 2-3 मौसम मिल सकते हैं, लेकिन भारत एक अकेला देश है जहां 6 तरह की ऋतुएं हैं, 6 तरह के मौसम हैं। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, बसंत भी है। इस तरह से अपने यहां मौसम भी काफी हैं, बारिश अच्छी है, पर्यावरण, वन भी काफी हैं। हालांकि काफी कुछ कट गए हैं पेड़ अपने देश में, फिर भी काफी मात्रा में अपने यहां वन अभी भी बचे हुए हैं। पर कैपिटा जो कैलकुलेशन होता है दुनिया में वृक्षों का, उसमें अभी भी भारत दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। तो ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत का एक चित्र तो ये है कि हम प्राकृतिक संपदा से भरपूर, जल हमारे पास अच्छा, मिट्टी हमारे पास अच्छी, जलवायु हमारी अच्छी, देश में ऋतुएं बहुत अच्छी, समय पर आने वाली ऋतुएं, एक तरफ तो हम ये देखते हैं। और दूसरी तरफ इसी भारत में एक और विशेष बात दिखाई देती है कि दुनिया की भयंकरतम गरीबी भी इसी देश में देखने को मिलती है। दुनिया के बहुत अमीर लोग भी यहां देखने को मिलेंगे, जैसे अजीम प्रेम जी, दुनिया के 43वें नंबर के उद्योगपति हैं इस समय। तो अजीम प्रेम जी का भी दर्शन होता है इस देश में, और इसी देश में भूख से मरने वाले लोगों का भी दर्शन होता है। तो ये भी अपने देश में है, भयंकर गरीबी भी है, बेकारी भी है, भूखमरी भी है। और इतनी भूखमरी, बेकारी और गरीबी है कि लोग जो हैं कुछ भी मिल जाए उसको उबालकर खा लेने का अपना अभिक्रम करते रहते। तो भारत की दो तस्वीरें हैं, एक तरफ दिखता है ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ हमारे पास, और दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि भयंकर गरीबी, बेकारी, भूखमरी, मारामारी, और इतनी भूखमरी और मारामारी कि सरकार को अब ये स्वीकार करना पड़ता है। लोकसभा में अभी हमारे देश की सरकार ने स्वीकार किया कि तकरीबन एक साल में 2 लाख लोग भूख से मर जाते हैं पूरे देश में। जो बच्चे पैदा होते हैं हमारे देश में उनमें 70% कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनकी जिंदगी चलेगी नहीं चलेगी मालूम नहीं होता। 45 कोटी लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको 2 समय खाने को रोटी नहीं, 20 कोटी लोग ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कोई रोजगार नहीं है, 12 कोटी लोग हैं 20 कोटी में जिनको कुछ काम नहीं है, 8 कोटी ऐसे हैं जिनको साल में 3 महीने काम मिलता। तो ये परिस्थिति भी हमें हमारे देश की दिखाई देती है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की सरकार ने लोक संख्या की गणना कराई थी, पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई अपने देश में, जिसको हम सेंसस कहते हैं। और हर 10 वर्षों में हमारे देश में सेंसस होता है। तो अभी अभी पूरा हुआ है हमारा सेंसस सन 2001 का, फरवरी मार्च के महीने में। तो उस सेंसस की रिपोर्ट में 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात सेंसस में यह है कि भारत की आबादी, लोक संख्या 101 कोटि की है। उसी में ये बात भी है सेंसस में कि 45 कोटि लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जिनको खाने के लिए 2 समय रोटी नहीं। उसी सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार 12 कोटि लोग संपूर्ण बेरोजगार हैं, 8 कोटि लोगों को साल में 3 महीने काम मिलता है, 9 महीने वो बेकार रहते हैं। तो लगभग बेकारों की संख्या 20 कोटि है। उसी सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में 50% गांव में पीने का पानी नहीं है, 2,75,000 गांवों में पीने का पानी नहीं है। 48% जो गांव हैं वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। फिर लगभग 51% गांव ऐसे हैं जहां पर चलने के लिए रोड्स नहीं है अपने देश में। और उन 51% गांवों के बारे में सरकार खुद मानती है कि कोई अगर बीमार पड़ जाए तो वो वहीं दम तोड़ सकता है गांव में, उसको शहर तक लाकर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है। ऐसे करीब 2.75 लाख गांव हैं पूरे देश में। लगभग हमारे देश में 50-55% विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं, बेसिक एजुकेशन नहीं।
तो एक तरफ हम देखते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास, दुनिया के सबसे बेहतरीन संसाधन हमारे पास, दुनिया के सबसे बेहतरीन जलवायु हमारे देश में, दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी हमारे पास, और ये कहना भी मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी हमारे पास, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं हमारे देश में। शहरों के कुछ वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकांश लोग बहुत मेहनती हैं। एक दिन में 8-10 घंटे सामान्य काम करना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। तो मेहनती लोग हैं, संसाधन बहुत हैं, पानी की व्यवस्था बहुत है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, मारामारी। मेरे मन में ये प्रश्न काफी दिनों से चलता है कि ऐसा क्यों है अपने देश में। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ मुझे मेरे देश में दिखाई देते, जबकि यूरोप के देशों में हम जाते हैं तो वहां ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता। वहां तो हैरानी होती है देखकर कि यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिनके पास कहीं कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है और अब अरबों अरबों डॉलर उनके पास संपत्ति है। आप उदाहरण के लिए एक देश को लीजिए, उसका नाम है जापान। जापान में एक भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको वो कह सकें कि ये ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास है। जापान तो समुद्र के बीच में टापुओं पर बसा हुआ एक देश, छोटे छोटे टापू हैं उसमें देश बना, नेचुरल रिसोर्सेज होने का कोई चांस नहीं है उनके पास। लेकिन जापान में आप घूमेंगे तो ना गरीबी दिखाई देगी, ना बेकारी दिखाई देगी, ना भुखमरी दिखाई देगी, ना मारामारी दिखाई देगी, कुछ नहीं है उनके पास भगवान का दिया हुआ, फिर भी वो इतने संपत्तिवान है। आज जापानी लोग इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो अमरीका को खरीद सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत है, पैसा उनके पास इतना हो गया है। यूरोप में और भी कई देश हैं जिनके पास कुछ खास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा नहीं है, फिर भी इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतनी समृद्धि है उन देशों में। अपने देश में क्यों नहीं है ऐसा? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, मिट्टी भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, जलवायु बहुत अच्छी है, फिर भी अपने देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी क्यों है? ये प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में आता है, आप में, आपके मन में भी आता होगा। इतने सारे देश में संसाधन होने के बावजूद तमाम तरह की समस्याएं अपने देश में, तो ये समस्याएं क्यों हैं, इसका कारण क्या है? इस एक प्रश्न ने मुझको पिछले 10-15 वर्षों से बहुत परेशान कर रखा है। मैं काफी सोचता रहता हूं कि इसका कुछ कारण तो होना चाहिए। तो कारण जब पूछता हूं मैं दूसरों से, अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों से जो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं कि आपको क्या कारण लगता है भारत की समस्याओं का, इतनी समस्याएं अपने देश में हैं, तो पिछले 10-15 वर्षों में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मैंने चर्चाएं की हैं, उनमें से हरेक व्यक्ति ने एक कारण मुझे कहा है, वो कॉमन है, सब कहते हैं कि ये एक कारण तो जरूर है, बाकी 50 हो या ना हो। तो वो कारण क्या, वो कहते हैं भारत की लोक संख्या बहुत बढ़ रही है, ये हमारे सब दुखों का कारण है। हमारी बेकारी इसलिए है कि लोक संख्या बहुत है, हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारी लोक संख्या बहुत है, हमारे यहाँ भुखमरी इसलिए है कि लोक संख्या बहुत है, सब कुछ हमारे यहाँ इसलिए है कि लोक संख्या बहुत है। अगर हम किसी तरह हमारी लोक संख्या को कम कर लें तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा हमारे देश में माना जाता है। और ये जो मानने वाले लोग हैं वो सत्ता चलाने वाले सभी बड़े नेता और सत्ता व्यवस्था को टिकाए रखने वाली पूरी नौकरशाही और सत्ता व्यवस्था को विश्लेषण करके देने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको हम सलाहकार कहते हैं, वो तीनों ही वर्ग के लोग ये मानते हैं। मैंने हिंदुस्तान के बहुत अर्थशास्त्रियों से चर्चाएं की हैं, वो सब मानते हैं कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी के सबसे बड़े कारणों में एक हमारी लोक संख्या। नेताओं से बातें की हैं तो सब नेता कहते हैं कि लोक संख्या जब तक कम नहीं होगी देश का कुछ भला नहीं हो सकता। और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी जब मैं संवाद करता हूं, चर्चा करता हूं, तो वो भी काफी हद तक मानते हैं कि राजीव भाई आप सब काम छोड़ दीजिए, लोक संख्या कम कराने का अभियान चलाइए, कुछ करिए इस देश में। मैंने इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में लोक संख्या ही हमारे सब समस्याओं का जड़ है या इसके अलग भी कुछ है। इस दृष्टि से मैंने एक अप्रोच शुरू किया।
मैं साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, आज भी हूं, तो मेरे अप्रोच करने का तरीका थोड़ा फर्क होता है। मैं उल्टा चलता हूं। जैसे मुझे समस्या 2001 में दिख रही है तो मैं 2001 से पीछे की तरफ बढ़ूंगा कि 2001 में अगर ये समस्या है तो 1990 में थी क्या, 1990 में थी तो 1980 में भी थी क्या, 1980 में थी तो 1960 में थी क्या, 1950 में थी क्या, 1940 में थी क्या, 1900 में थी क्या, 1850 में थी क्या। ये अप्रोच है मेरा काम करने का, क्योंकि विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी जब किसी एक खोज पर निकलता है तो जहां वो खड़ा है वहीं से शुरू करता है, उल्टा जाता है। आप देखो जितने भी रिसर्चेस होते हैं दुनिया में, जिसको हम इन्वेंशंस कहते हैं, वो आगे से पीछे की तरफ बढ़ते हैं हमेशा से। हमने पृथ्वी के बारे में काफी कुछ जान लिया तो अब चलो उससे आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो मैंने भी कुछ उसी तरह का अप्रोच रखा कि भारत में गरीबी, भुखमरी, बेकारी, मारामारी, ये सब समस्याएं हैं और भारत के लोग ऐसा कहते हैं, सरकार चलाने वाले, खासकर व्यवस्था चलाने वाले, कि लोक संख्या सबसे बड़ा कारण है गरीबी का, भुखमरी का, बेकारी का। तो मैंने इसी बात को समझने के लिए पीछे की तरफ चलना शुरू किया कि भारत की लोक संख्या हमारी समस्या का कारण कैसे और क्यों। तो पता ये चलता है कि 1991 में हमारी जो लोक संख्या थी अब 2001 में बहुत हो गई, 1981 में जो थी वो और कम थी, 1971 में और कम थी, माने लगातार बढ़ रही है। तो मैं पीछे जाता गया तो मैंने पता किया कि 1951 में, माने जब हम आजाद हुए थे, 47 में आजाद हुए, तो सेंसस हुआ 51 में, हर एक 10 साल पे सेंसस होता है, तो 1951 के आंकड़े हैं वो 1947 से मिलते जुलते ही हैं कि जब आजादी मिली थी तो उसके तुरंत बाद हमारी जनसंख्या करीब 34 कोटी लोगों की थी, लोक संख्या हमारी। अब हमारी लोक संख्या है 101 कोटी की, जो अभी सेंसस हुआ उसके अनुसार। तो 34 कोटी की लोक संख्या अगर 101 कोटी हो गई है तो इसका अर्थ यह है कि अपने देश की लोक संख्या 3 गुनी बढ़ गई है, 3 times। तो फिर मैंने समझने के लिए ये तय किया कि अगर लोग ऐसा कहते हैं कि लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, तो मैंने कई अर्थशास्त्रियों से पूछा कि इसका प्रपोर्शन क्या होता है। तो कहते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रपोर्शनल का माने, अगर लोक संख्या आपकी 5% बढ़ी तो गरीबी भी 5% बढ़ गई, लोक संख्या 10% बढ़ी तो गरीबी भी बढ़ गई उतनी, 20% बढ़ेगी तो गरीबी 20%, माने जितनी लोक संख्या बढ़ेगी उसी रेशियो में आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, ऐसा अर्थशास्त्री कहते हैं। भारत देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, वो भी कहते हैं। तो मैंने फिर इसमें समझने की कोशिश की कि हमारी लोक संख्या पिछले 50 वर्षों में अगर कहें तो 3 गुनी हुई है, इसका अर्थ यह है कि 300% बढ़ी है। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि लोक संख्या बढ़ी है तो उसके साथ साथ कुछ और भी बढ़ा है क्या देश में, तो पता चला कि हमारे देश में गरीबी भी बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है उसके आंकड़े मैंने ढूंढे, तो अपने देश का जो सेंसस हुआ था 1951 में, उसके आंकड़ों के अनुसार 1951 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते थे, उनकी संख्या, उनकी लोक संख्या 4 कोटी थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की जो लोक संख्या है वो 45 कोटी की है, अभी का जो सेंसस हुआ है। अब इसमें से आप इन्फरेंस निकालिए, इसका विश्लेषण करके इसका वो करिए, कंक्लूजन करिए कि अगर हमारी लोक संख्या 3 गुनी बढ़ती है तो गरीबी 3 गुनी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। तो गरीबी हमारी 4 कोटी थी तो आज बढ़कर 12 कोटी होनी चाहिए, लेकिन गरीबी हमारी बढ़कर 45 कोटी है। इसका अर्थ यह है कि लोक संख्या 3 गुनी बढ़ती है तो गरीबी 11 गुनी बढ़ती है, 10 गुने से भी ज्यादा। फिर मैंने कई अर्थशास्त्रियों को पूछा कि भाई आपका तो थ्योरी फेल हो गया। एक दुनिया में मेजर सोशियो इकोनॉमिस्ट हुआ, उसका नाम था माल्थस, यूरोपियन था। उसने एक थ्योरी दिया है इकोनॉमिक्स में, वो थ्योरी ये है कि जो देश में जनसंख्या जितने तेजी से बढ़ती है उसी देश में गरीबी, भुखमरी उतनी ही तेजी से बढ़ती है।
तो माल्थस की थ्योरी को हिंदुस्तान में अप्लाई किया जाता है जनसंख्या और गरीबी का रिश्ता समझने के लिए। तो मैंने कहा लोगों से, और ये बहुत दिन से मैंने कहना शुरू किया, कि मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अपनी लोक संख्या 3 गुनी बढ़ी है, 300% बढ़ी है, लेकिन गरीबी 1100% क्यों बढ़ी है। माल्थस अगर सच है तो गरीबी हमारी 300% बढ़नी चाहिए, तो गरीबों की कुल लोक संख्या इस समय 12 कोटी होनी चाहिए, 45 कोटी क्यों है। इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है वो क्या, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो हमारे देश में कृषि उत्पन्न बहुत कम था, खेती में जो अन्न उत्पादन होता था वो आज की तुलना में बहुत कम था। कितना था? 4 कोटी टन अनाज पैदा होता था पूरे देश में 1947 में। तो 4 कोटी टन कृषि उत्पन्न था हमारा 1947 में, तब हमारी लोक संख्या 34 कोटी की थी। अब हमारे देश में कृषि उत्पन्न 21 कोटी टन है, तो जनसंख्या 101 कोटी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या 3 गुनी बढ़ी है, कृषि उत्पन्न हमारा 5 गुना बढ़ा है। जनसंख्या 300% बढ़ी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 500% बढ़ गया, 500% बढ़ गया। अब हमारी जनसंख्या से ज्यादा कृषि उत्पन्न बढ़ा तो फिर भूख से लोग क्यों मरने चाहिए इस देश में, क्यों लोग भूख से मरने चाहिए। अगर ये उल्टा होता, ऐसा कुछ होता कि हमारी लोक संख्या 5 गुनी बढ़ी होती और कृषि उत्पन्न 3 गुना बढ़ा होता और लोग भूख से मरते, तो मैं स्वीकार कर लेता कि मरना चाहिए लोगों को। लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा, कृषि उत्पन्न बहुत ज्यादा बढ़ा, लोक संख्या उससे कम बढ़ी, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर एक दूसरी बात, जब हम 47 में आजाद हुए तो हमारे देश में जो कारखाने चलते थे, जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे, जो फैक्ट्रियां थी, वो बहुत कम थी। और उन कारखानों में, उन फैक्ट्रियों में जो माल बनता था, जो वस्तुएं पैदा होती थी, उनके आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1 लाख कोटी रुपए का माल पैदा होता था भारत में कारखानों के अंदर। अब हमारे देश के रिजर्व बैंक के ही आंकड़ों के अनुसार सन 2001 में भारत में जो कारखाने चलते हैं उनमें जो उत्पन्न है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, वो 10 लाख कोटी रुपए का है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पिछले 50 वर्षों में 10 गुना बढ़ा है, लोक संख्या सिर्फ 3 गुनी बढ़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा है। तो फिर हमारे देश में बेरोजगारी क्यों होनी चाहिए, 20 कोटी लोग बेकार क्यों होने चाहिए। यहां तो उल्टा दिख रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और बेकारी भी बहुत ज्यादा। 1947 में बेकारों की कुल संख्या 2 कोटी थी, अब वो 20 कोटी हो गई। तो 10 गुना हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया और 10 गुनी ही बेकारी बढ़ गई। ये किस समझ में आता है आपको, क्या उल्टी बातें। मैंने इनको समझने की बहुत दिनों से कोशिश की कि कृषि उत्पन्न भी बढ़ता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, फिर भी गरीबी बढ़ती है, फिर भी भुखमरी बढ़ती है, फिर भी बेकारी बढ़ती है, और हमारी जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा उसका, तो भी गरीबी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, बेकारी बढ़ती है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि शायद ये सिद्धांत गलत हो सकता, जरूरी नहीं है कि थ्योरीज परफेक्ट होती हो। माल्थस ने एक थ्योरी दिया बहुत पहले कभी यूरोप में, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है भारत में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है अपने देश में कि हो सकता है कि माल्थस की थ्योरी गलत हो, लेकिन भारत सरकार का नजरिया वही है जो माल्थस का था। भारत सरकार आज भी ये मानती है कि लोक संख्या हमारे कारणों में सबसे बड़ा कारण है, भुखमरी का, गरीबी का, बेकारी का। तो भारत सरकार की पूरी ताकत और भारत सरकार की संस्थाओं की ताकत इस बात पर लगी हुई है कि किसी तरह से लोक संख्या कम होनी चाहिए। उसके लिए तरह तरह के प्रचार पूरे देश में चलते हैं, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, कंडोम्स यूज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारा का सारा प्रचार एक ही बात के लिए कि लोक संख्या कम होनी चाहिए। अब जब दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि लोक संख्या का गरीबी से कोई रिलेशनशिप नहीं, लोक संख्या का बेकारी से भी कोई रिश्ता नहीं,
आप कहेंगे सिर्फ भारत में ऐसा है, भारत में ही नहीं है, यूरोप में भी दिख रहा है। मैंने यूरोप के देशों के बारे में भी थोड़ा अध्ययन किया कि क्या उनके देश में भी लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, तो वहां तो उल्टा हुआ है। यूरोप के देशों की लोक संख्या जितनी ज्यादा बढ़ी है, उनके देशों की समृद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ी है। मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूं। आज से 100 वर्ष पहले सन 1901 में पूरे यूरोप की, जिसमें 17 देश शामिल हैं, सकल लोक संख्या, कुल संख्या मिलाकर मुश्किल से 12-13 कोटी की थी 1901 में। आज पूरे यूरोप की लोक संख्या हो गई है 27 कोटी। तो इसका माने यूरोप की लोक संख्या डबल हुई है, 100% इंक्रीज है उसमें। और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सन 1901 से आज तक यूरोप की समृद्धि हजारों गुनी बढ़ी है। 1901 में यूरोप में एक आदमी की पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज लगभग $15 से $20 थी। आज यूरोप के एक व्यक्ति की ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम $36,000 है। $36,000 पर कैपिटा इनकम यूरोप की, जिसमें 17 देशों को शामिल करके मैं बात कर रहा हूं। 100 साल पहले $10 कमाता था वहां का एक साधारण व्यक्ति, आज वहां का एक साधारण व्यक्ति $36,000 कमाता है। कितने दिन में? एक महीने में। एक महीने में यूरोप के एक व्यक्ति की औसतन आमदनी, कुछ देशों में तो 36,000 से भी ऊपर है, जैसे स्विट्जरलैंड में आप चले जाए वहां तो बहुत ऊपर है, लेकिन कुछ देशों में बहुत कम है, जैसे पुर्तगाल और स्पेन में चले जाए तो एवरेज दोनों का बीच का आता है। तो उनकी इतनी इनकम बढ़ गई है पिछले 100 सालों में, तो क्या चमत्कार कर लिया उन्होंने 100 साल जो हम नहीं कर पाए? ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास माटी बहुत अच्छी है, ना उनके यहां पानी बहुत अच्छा है। एक एक यूरोप का देश तो ऐसा है जो एक ही संकट से ग्रस्त रहता है, जैसे नीदरलैंड नाम का एक देश, वहां के लोगों को रात दिन एक ही चिंता रहती है कि दरिया का पानी कहीं घर में ना घुस जाए, क्योंकि पूरा देश दरिया के नीचे, वहां का जो वाटर लेवल है, जो सी लेवल है, वो दरिया के नीचे है, माने बस्ती दरिया के नीचे है, दरिया उससे ऊपर है, तो दरिया का पानी घर में ना घुसे, बस्ती में ना घुसे, इसी में उनकी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी उनकी ग्रोथ कम नहीं होती कहीं से। ये चक्कर क्या है? कुछ तो इसके पीछे कोई बात है कि यूरोप में हम देख रहे हैं कि लोक संख्या भी बढ़ रही है और उससे कई गुनी ज्यादा उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। अमरीका में भी दिखाई देता है, अमरीका की लोक संख्या भी इस समय लगभग 26 कोटी की है। आज से 100 साल पहले अमरीका की लोक संख्या लगभग 13-14 कोटी के आसपास थी। अमरीका में उस समय एक व्यक्ति की एवरेज इनकम $20 से $25 के आसपास थी। आज वो एवरेज इनकम उनके यहां भी बड़े आराम से $25,000-$30,000 है। तो वहां भी नहीं दिखता है ये। तो यूरोप और अमेरिका में संसाधन कम होने के बावजूद उनकी प्रॉस्पेरिटी लगातार बढ़ती जाती है, समृद्धि बढ़ती जाती है, पैसा बढ़ता जाता है, गरीबी खत्म हो गई है, बेकारी खत्म हो गई है। कई यूरोप के देश तो ऐसे हैं जहां मजदूर नहीं मिलते काम ज्यादा। अब उनके यहां काम बहुत है, करने वाले नहीं है, तो मशीनें ऐसी बनाई कि एक मशीन 50 आदमी का काम करे। तो उन्होंने ऑटोमेशन लाया अपनी पूरी इंडस्ट्री में, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को कैपिटल इंटेंसिव बनाया उन्होंने। हमारे देश में क्या है? हमारे यहां काम करने वाले बहुत है, हम काम दे नहीं पाते उनको, क्योंकि 20 कोटी लोग बेकार होने का अर्थ है 40 कोटी हाथ बेकार हैं इस देश में जो कुछ कर नहीं सकते। तो उनके यहां हमें कुछ और दिखाई देता है, अपने यहां कुछ और दिखाई देता है। तो मैं सब लोगों को यही कहता हूं कि अगर मालथस का सिद्धांत सच है भारत के लिए, तो वो स्विट्जरलैंड के लिए सच क्यों नहीं? मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और उसमें ये पढ़ाया जाता है कि थ्योरीज यूनिवर्सल होती हैं, टेक्नोलॉजी लोकल हो सकती है, एक कोई थ्योरी बनती है वो यूनिवर्सल होती है। अमेरिका में भी वही होगी, भारत में भी वही होगी, मंगल ग्रह पर चले जाएं तो भी वही होगी। साइंस की थ्योरीज कभी बदलती नहीं है, क्योंकि वो सच के नजदीक होती है। तो मालथस की थ्योरी अगर भारत में एक है तो यूरोप में भी वही होनी चाहिए, लेकिन यूरोप में कुछ और दिखाई देता है, भारत में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो मैंने ये तय कर लिया है और मैं कन्विंस हूं इस बात से कि मालथस की थ्योरी ही गलत है। किसी भी देश की गरीबी और बेकारी का रिश्ता वहां की लोक संख्या से नहीं है। इसको मैंने एक और तरीके से समझने की कोशिश की।
हिंदुस्तान के पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, एक किलोमीटर लंबा एक किलोमीटर चौड़ा को नहीं है। इसको मैंने एक और तरीके से समझने की कोशिश की। हिंदुस्तान के पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, एक किलोमीटर लंबा एक किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया है मान लीजिए, वहां पर जितने लोग रहते हैं उससे 17 गुने ज्यादा लोग हॉलैंड में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारे यहां सिंगल स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोगों की बस्ती है, हैबिटेट है, जिनके घर हैं, उससे 17 गुना ज्यादा हॉलैंड में है पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो लोक संख्या कम करने की चिंता हॉलैंड को होनी चाहिए कि भारत को, उनकी तुलना में? लेकिन हॉलैंड में मैंने देखा है कि वहां की सरकार एक कैंपेन चलाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो। वहां कैंपेन है, नेशनल कैंपेन है बाकायदा, टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट भी आता है, अखबार में भी आता है, और वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन जल्दी मिलता है अगर बच्चे ज्यादा हों तो। और यही स्थिति डेनमार्क में भी है, नॉर्वे में भी। नॉर्वे में तो बहुत ही भयंकर है। नॉर्वेजियन लोगों को मैंने देखा, वो तो इतने विमिजिकल हैं इस मामले में, वो कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे अगर हमने बच्चे पैदा नहीं किए तो, हम तो कम हो जाएंगे पूरी दुनिया में, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमको तो ज्यादा ही बच्चे करने का। तो वहां की गवर्नमेंट ने पॉलिसी वैसी बना रखी है कि आपके एक बच्चे से दो हुए तो आपका प्रमोशन, दो से तीन हुए और बड़ा प्रमोशन, तीन से चार हुए तो उससे भी आगे प्रमोशन, लेते जाओ प्रमोशन। और यहां क्या है, कानून बनने जा रहा है कि एक से दो हुए तो आपको निकाल बाहर करेंगे नौकरी, कानून बनने जा रहा है इस देश। तो ये चक्कर क्या है? नॉर्वे को चिंता नहीं, स्वीडन को चिंता नहीं, स्विट्जरलैंड को चिंता नहीं, डेनमार्क को चिंता नहीं, हॉलैंड को चिंता नहीं, जिनके देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में भारत से ज्यादा लोग रहते हैं, उनके पास जमीन बहुत कम है, रहने का स्पेस बहुत कम है, खेती करने का स्पेस उससे भी ज्यादा कम है। हमारे पास रहने को इतनी जमीन है, स्पेस हमारे पास है, एक स्क्वायर सिंगल किलोमीटर में भारत में 350 लोग रहते हैं, हॉलैंड में करीब करीब 2100 2200 2300 तक है एक एक गांव। ये स्थिति है वहां। और एम्स्टर्डम में तो उससे भी भयंकर, लंदन में तो सबसे भयंकर। पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहीं रहते हैं तो दो ही शहर हैं, एक तो लंदन दूसरा टोक्यो। तो मेरे हिसाब से तो टोक्यो और लंदन में पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंपेन चलना चाहिए सबसे पहले, लेकिन वो सब यहां आके कैंपेन चलाते हैं। लंदन में नहीं चलता पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंपेन, ना टोक्यो में चलता है। तो मेरे समझ में आने लगा कि भाई पॉपुलेशन का अगर चिंता हमको है तो उनको क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है कि वास्तव में पॉपुलेशन से कहीं कोई प्रॉब्लम होती होती नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप पॉपुलेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं कर पाते न्यायपूर्ण तरीके से, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम पॉपुलेशन में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप अपनी लोक संख्या को न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का बंटवारा करके नहीं दे पाते, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। हमारे यहां प्रॉब्लम यहां पर है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अजीम प्रेम जी, जिसकी दुनिया में संपत्ति इतनी भयंकर है कि वो 43वें नंबर पर है, और हम देखते हैं कि 45 कोटी लोगों को दो समय खाने को रोटी नहीं है। तो अजीम प्रेम जी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और 45 कोटी के पास कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम अपने देश में यहां पर है कि हमारे देश में 20 लाख लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, हैंडसेट जिनको आप कहते हैं, और 8 कोटी लोग हैं जिनके हाथ में भीख का कटोरा है। यहां है प्रॉब्लम, संसाधनों के बंटवारे हमारे देश में ठीक नहीं है। पॉपुलेशन इसमें कहीं कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है कि जो पॉपुलेशन के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, घटना में लिखा हुआ है, वो नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। जो वहां पर दिखाई देता है, यूरोप में दिखाई देता है, अमेरिका में भी दिखाई देता है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, यूरोप के सभी देशों की सरकारें जो वहां चलती हैं वो टैक्स कलेक्शन करती हैं जैसे हमारी सरकार टैक्स कलेक्शन करती है। लेकिन यूरोप और भारत में मुझे जो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है वो टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ये कि यूरोप में जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो खर्च जो होता है वो पर कैपिटा कैलकुलेशन से होता है। कलेक्शन पर कैपिटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी पर कैपिटा है। माने मैं कहना यह चाहता हूं कि यूरोप का एक आदमी अपने देश की सरकार को एक साल में मान लो $5,000 टैक्स देता है, एक आदमी यूरोप में एक बरस में मान लो $5,000 टैक्स देता है,
तो वहां की सरकार एक आदमी के ऊपर जो टैक्स का खर्चा करती है एक वर्ष में वो $5,000 का ही होता है। ये उनके यहां व्यवस्था है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां व्यवस्था बनाई है कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका 80% 80% वो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन में दे देते हैं और 20% सरकार उसमें से कट कर लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में। कई देशों में यह व्यवस्था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर कैपिटा है। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां कलेक्शन पर कैपिटा है, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कैपिटा है ही नहीं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा होता भारत में पिछले 50 वर्षों में तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में इतने गरीब लोग नहीं होते जिनके पास पहनने को 2 मीटर कापड़ भी नहीं है शरीर पर। ऐसे गरीब लोग वहां रहते है नहीं हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने यहां जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम की है ना कि पॉपुलेशन की। जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि भारत देश में ये जो गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, मारामारी है, वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी, मारामारी इसलिए नहीं है कि लोक संख्या बहुत है। प्रॉब्लम ये इसलिए है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। और हमारा सिस्टम कितना निकम्मा और नकारा है उसका ताजा उदाहरण आपको देता हूं। इस वर्ष भारत देश में 21 कोटी टन अनाज उत्पन्न हुआ है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारा 21 कोटी टन। सरकार के अनुसार हमको सिर्फ एक वर्ष में 15 कोटी टन अनाज की जरूरत होती है। 101 कोटी की लोक संख्या को प्रतिदिन 500 ग्राम के हिसाब से अगर भोजन कराया जाए, जो एक व्यक्ति की नॉर्मल डाइट है, एक व्यक्ति की नॉर्मल डाइट 250-300 ग्राम बैठती है एक दिन की, मैं 500 ग्राम की कैलकुलेशन करके चलता हूं, एक व्यक्ति को दोनों समय के भोजन के हिसाब से 500 ग्राम अगर अनाज दिया जाए, चावल, गेहूं, दाल, चना वगैरह सब मिलाकर, तो हमें एक वर्ष में 15 कोटी टन अनाज की जरूरत है। हमारे पास अनाज 21 कोटी टन है, माने हमारी जरूरत से 6 कोटी टन ज्यादा। अब हमने जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा किया है अपने देश में तो उसको रखने की भी जगह नहीं है हमारे पास, तो वो 6 करोड़ टन अनाज हमारा मैदानों में पड़ा सड़ता है। आप जाइए पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, आपको ढेर के ढेर गेहूं के लगेंगे जिन पर बारिश गिर रही है और वो सड़ रहा है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गोडाउन की व्यवस्था नहीं है जहां पर वो रख सके उसको। अभी संसद में 1.5 घंटे बहस हुई एक दिन, संसद सत्र पूरा होने के एक दिवस पहले, और वो बहस यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है भारत सरकार को कि 6 करोड़ टन अगर अनाज अपने देश में अतिरिक्त है, जरूरत से ज्यादा है, तो भूख से लोग क्यों मर रहे हैं। हमारे देश की सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर जो मैं मानता हूं वो ये कि एक बाजू में हमारे पास कृषि उत्पन्न भयंकर है लेकिन दूसरे बाजू में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं है और हम गरीब लोगों को भोजन नहीं दे सकते करने के। गरीब लोग बिना खाने के मर जाते हैं लेकिन 6 करोड़ टन अनाज हमारा इस साल या तो चूहे खा जाएंगे, बारिश में भीग जाएगा और अंत में भारत सरकार उसको दरिया में फेंक देगी, क्योंकि अगले वर्ष जब फिर कृषि उत्पन्न आएगा तो आपको गोडाउन्स खाली करने पड़ेंगे और उनमें उसको भरना पड़ेगा, तो खाली करना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भारत की समस्याओं के बारे में जो बहुत साफ साफ मुझे दिखने लगा है पिछले 10-12 वर्षों के अध्ययन के बाद वो ये कि ना तो पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम है, ना हमारे देश के लोग हमारी प्रॉब्लम है, ना कोई जाति का सवाल, ना कोई धर्म का सवाल, ना कोई संप्रदाय का सवाल, क्योंकि भूख सब जातियों की एक जैसी है, पानी की प्यास सब जातियों की एक जैसी है, खून का रंग सब जातियों का एक जैसा है। मैं एक जाति का हूं तो मेरा खून काला नहीं हो जाता, किसी दूसरे जाति वाले का खून सफेद नहीं होता, ये सब तो एक ही है। डिमांड सबकी एक जैसी है, कंजम्पशन के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं हमारे। तो प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई देती है वो सिस्टम में है, तंत्र हमारा गड़बड़ है जिसको हम शायद नहीं चला पाते ठीक से, या हम उसको जानते नहीं चलाने। फिर मैंने अप्रोच बदल दिया स्टडी करने का, जब मेरे समझ में ये बात आने लगी कि प्रॉब्लम ना तो पॉपुलेशन में है ना लोगों के साथ है, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के साथ है। और सिस्टम की प्रॉब्लम का फेलियर एक दूसरा बताता हूं। भारत देश की सरकार
हर 5 साल के बाद एक पंचवर्षीय योजना बनाती है, हर 5 साल के बाद। और एक पंचवर्षीय योजना में ऑन एन एवरेज 10 लाख कोटी रुपए खर्च होता है हर एक पंचवर्षीय योजना। अभी तक हमारे देश में 9 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं और लागू हो चुकी हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लागू होने जा रही है। तो 9 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं, एक पंचवर्षीय योजना में एवरेज हमने 10 लाख कोटी रुपए खर्च किया है, तो अभी तक हम 90 लाख कोटी रुपए खर्च कर चुके हैं पिछले 50 वर्षों में। गरीबी बढ़ती ही जा रही है, बेकारी भी बढ़ती जा रही है। जबकि सच्चाई इसके विपरीत ये होनी चाहिए थी कि जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, हम गुलामगिरी के शिकार थे, तब हमारे देश में पंचवर्षीय जैसी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज कुछ खर्च करते ही नहीं थे। जो कुछ भारत में कमाते थे सब इंग्लैंड ले जाते थे, उनको भारत से कुछ लेना देना नहीं था। तब पंचवर्षीय योजना नहीं थी, तब गरीबी हमारी कंट्रोल रही। और जैसे ही हमने पंचवर्षीय योजनाएं चालू की, हमारी गरीबी तो भयंकर बढ़ने लगी। कहीं कंट्रोल होती दिखाई नहीं देती गरीबी, न भुखमरी कंट्रोल होती दिखाई देती। 90 लाख कोटी रुपए हम खर्च कर चुके हैं पिछले 50 साल में, और वो हमारे खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे में से। और 90 लाख कोटी खर्च करने का अगर आप एक दूसरा अनुमान लगाएं, हमारी कुल लोक संख्या 100 कोटी, 90 लाख कोटी रुपए के खर्चे का अर्थ आप समझते हैं? एक एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 9 लाख रुपए का खर्च एक एक व्यक्ति के। और इतना खर्च अगर हम कर चुके हैं तो फिर गरीबी क्यों है? हर एक आदमी तो लखपति होना ही चाहिए ना। 9 लाख रुपए तो 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर होते ही हम लखपति हो जाते, तो हर आदमी की जेब में 9-9 लाख रुपए मिलना चाहिए, हर परिवार में मिलना चाहिए। एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो प्रत्येक परिवार के पास 35 लाख रुपए मिनिमम तो होना ही चाहिए, वो चाहे झारखंड में रहे चाहे अमरावती में रहे। और है नहीं ऐसा। हम देखते हैं कि परिवार हिंदुस्तान में कैसे हैं। भारत सरकार का जो सेंसस आया है उसमें लिखा हुआ है 25 कोटी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है, 10 कोटी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं है, और 5 कोटी लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं। ये स्थिति है, रियलिटी। तब मैंने सोचना शुरू किया है एक दूसरी दिशा में, फिर मेरा दिमाग थोड़ा बदला, मैंने एक दूसरे ट्रैक पर जाने का काम शुरू किया। मैंने कहा कि फिर कहीं और है अपनी समस्याओं की जड़। और अपनी समस्याओं की जड़ में अब मुझे समझ में आता है कि जो सिस्टम हम चलाते हैं, जिसकी मदद से हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, भुखमरी दूर करना चाहते हैं, बेकारी दूर करना चाहते हैं, वो सिस्टम गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं वो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था गरीबी पैदा करने के लिए, भुखमरी पैदा करने के लिए, बेकारी पैदा करने के लिए, मारामारी पैदा करने के लिए। हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम को चला रहे हैं जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। आप कहोगे अंग्रेजों ने कौन सा सिस्टम हमको दिया, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ये अंग्रेजों की देन है हमें, हमने अपने देश में इसका इन्वेंशन नहीं किया, ये अंग्रेज हमको दे गए तो हमने उसको ले लिया, बिना सोचे समझे कि अंग्रेजों ने इस सिस्टम को किसी और कारण से चलाया था, अगर हम चलाएंगे तो वही पैदा होगा उसमें से। अंग्रेजों ने यह सिस्टम जो बनाया, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना तो वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक है, वो 101% एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। ना उसमें कुछ पार्लियामेंट्री है सर, ना उसमें कहीं डेमोक्रेसी है। आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको एक ही बात कहता हूं, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक आदमी करे तो वो पार्लियामेंट्री होगा और डेमोक्रेटिक होगा? 100 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक व्यक्ति करे जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा? और गलती से अगर वो बिका हुआ है, मीर जाफर है, तो वो डेमोक्रेटिक होगा क्या? 100 करोड़ लोगों की जिंदगी का फैसला 100 करोड़ लोग करें तो वो आदर्श है, नहीं कर सकते तो 50 करोड़ करें, वो भी संभव नहीं है तो 25 करोड़ करें, वो भी संभव नहीं है तो 10 करोड़ करें, इतना तो हो कम से कम 1 करोड़ लोग करें, 1% लोग तो करें।
यहां तो 1% भी नहीं है, 0.00000 पता नहीं कितने बार जीरो लगा के तवाफ निकालोगे। तो एक व्यक्ति फैसला करता है, एक व्यक्ति तय करता है हिंदुस्तान में कि कहां टैक्स लगना चाहिए कहां नहीं लगना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में पेश कर देता है। फिर बाकी जो 545 लोग बैठे हैं लोकसभा में, 250 बैठे हैं राज्यसभा में, वो उस पर बहस ये करते हैं कि यहां पर इतना कटौती कर दो, यहां पर इतना बढ़ा दो, ये नहीं कहते कि इसको वापस ले लो पूरा, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं है। तो ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है क्या? एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, आप अमरावती में चुनाव करवाते हैं, किसी को जिताते हैं किसी को हराते हैं। मान लीजिए अमरावती से 10 कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ना है, एक्स वाई जेड एबीसी नाम की पार्टियां ले लीजिए, 10 कैंडिडेट खड़े हैं। 10 कैंडिडेट को जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहली बात तो ये कि टोटल जो वोट्स हैं उसका 50% ही कास्ट होता है। हमारी सरकार कहती है कि हर एक सीट पर जो वोटिंग होता है वो टोटल वोटिंग का 50% से भी कम होता है, एवरेज 50% के आसपास आता है। माने अगर अमरावती में हम माने कि 5 लाख वोटर मान लें हम, तो मात्र 2.5 लाख लोग वोट डालने जाते हैं, और वो जो 2.5 लाख लोग वोट डालते हैं उनमें से 10 पार्टियां हैं, 3-4 मेजर हैं बाकी माइनर हैं, तो वो वोट बटता है, किसी पार्टी को 5% मिला, किसी को 7% मिला, किसी को 10% मिला, किसी को 5.5% मिला, किसी को 11% मिल गया, किसी को 15%। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे 5 लाख वोटर्स ने वोट डाला मात्र 50%, 2.5 लाख लोगों ने वोट डाला, और उस 2.5 लाख में बंटवारा कैसे हुआ? किसी को 75,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, किसी को 65,000 मिला, किसी को 30,000 मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। अब आप जरा कल्पना करिए कि जिन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को जिताया, मान लो उसको 75,000 वोट मिले और 5 लाख वोटर्स हैं, तो 75,000 5 लाख वोटर्स के कितने परसेंट हुए? 20% से तो कम हुए ही, मान लें हम 15% हुए, तो 15% वोट पर हमने किसी कैंडिडेट को जिताकर संसद में भेज दिया, जहां पर 51% के आधार पर मेजोरिटी तय होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमने 15% वोट देकर एक ऐसे कैंडिडेट को दिल्ली भेजा जहां दिल्ली की संसद में मेजोरिटी तय होती है 51% के आधार पर। इसका माने इल्लीगल इलेक्शन हुआ पूरा। संसद में आप मेजोरिटी तय कर रहे हैं 51% पे और अमरावती में तय कर रहे हैं 15% पे। और इसका अगर उलट साइड हम देखने की कोशिश करें तो वो इससे भी ज्यादा विद्रूप है, वो ये कि 5 लाख लोगों ने अगर वोट देना था उसमें से सिर्फ 75,000 ने किसी को वोट दिया, इसका माने 4,25,000 लोगों ने उस आदमी को रिजेक्ट किया। तो जिस आदमी को 85% लोगों ने रिजेक्ट किया उसको आप अपना प्रतिनिधि कहते हैं, और उसके हाथ में पूरा बजट दे दिया आपने कि 100 करोड़ लोगों का भाग्य तय कर दो तुम। है कहां डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है जो चलता है इस देश। अगर डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन होता है और जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है वो 51% के आधार पर होता है, कि 51% जो कहेंगे वो माना जाएगा, 49% जो कहेंगे वो नहीं माना जाएगा। यही तो है ना डेमोक्रेसी की एक मेजर डेफिनेशन, कि डेमोक्रेसी माने जहां 51% लोग एक बात कहें तो वो मानी जाए, 49% कहें वो नहीं मानी जाए। यहां तो हम देख रहे हैं कि 15% ने कह दिया उसी को मान लिया। फिर कई बार मैंने संसद में देखा है कि कोई विधेयक पारित होने के लिए लाया गया, कोरम पूरा नहीं है। कोरम माने क्या? कि जितने सांसद हैं खासदार हैं उसका 10% सदन में रहना ही चाहिए कम से कम। माने 545 हैं तो 54 माने एमपीज रहने चाहिए वहां पर। कई बार होता है 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, है ही नहीं, पूरा सदन खाली पड़ा, और बेचारा वो स्पीकर घंटी टन 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 करता रहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो बैठे मटर गश्ती करते रहते हैं वहां एनएक्सी में। मैं पार्लियामेंट बहुत बार गया हूं, खासदार सदन में नहीं बैठते, एनएक्सी में बैठे रहते, गप्पे मारते रहते, अखबार पढ़ते रहते हैं, मैगजीन पढ़ते रहते हैं। अभी हमारे स्पीकर महोदय ने एक खासदार को भयंकर डांटा था एनएक्सी में, एक कुर्सी पर पैर रख के दूसरे कुर्सी पर बैठकर वो कुछ अखबार पढ़ता था, और उसने कहा कि भाई साहब ये आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट है।
उसको बताना पड़ा कि ये आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट है, यहां इस तरह से बैठना परमिसेबल नहीं है। तो ऐसे ही बैठे रहते हैं सब खासदार वहां पे, सदन में नहीं बैठते। अब सदन में नहीं बैठते और नियम बन जाता, कानून भी बन जाता, तो सदन क्या करता है फिर? वो कहते हैं एक इमरजेंसी रूल है पार्लियामेंट में, वो ये कि अगर सदन में कोरम पूरा नहीं है तो भी जो मेजोरिटी वोटिंग होगा वही कानून बन जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 20 सांसद बैठे हैं, उनमें से 11 ने एक बाजू में वोट कर दिया, तो देश को बेचने का समझौता भी हो जाएगा। आप इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? उन्होंने इमरजेंसी रूल बना रखा है। वैसे तो वो कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए, तो मैं मानता हूं चलो कोरम भी पूरा कर लें, 54 एमपीज हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 54 एमपीज होने का अर्थ यह हुआ कि 27 या 28 एमपीज ने एक बाजू में वोट कर दिया तो वही कानून बन गए। तो पूरे देश की 100 कोटी लोगों के भाग्य का फैसला 26-27 लोग मिलकर करें, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? इससे अच्छी तो एरिस्टोक्रेसी। तो हमारे देश में जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं या चलाते हैं, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं। और डेमोक्रेटिक कैसे नहीं है उसका दूसरा उदाहरण देता हूं, तात्कालिक उदाहरण। हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों की मान्यता संविधान में है, तो राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती, मैनिफेस्टो लेकर वो आपके पास आती है। एक पार्टी कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे। दूसरी पार्टी भी कह रही है गरीबी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे। तो एक पार्टी कहती है कि हमारा रास्ता समाजवाद का होगा, दूसरी पार्टी कहती है नहीं, हमारा रास्ता राष्ट्रवाद का होगा। अब आप उसमें चॉइस करते कि भाई अपने को राष्ट्रवाद पसंद है तो चलो इनको वोट दे दो, कोई जगह नहीं अपने को तो समाजवाद लगता है तो इसको वोट दे दो। उनके रास्ते डिफरेंट हैं, गोल तो एक ही है ना। सभी पार्टियां ये कहती हैं गरीबी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे, मारामारी दूर करेंगे, आपको सुख समृद्धि वाला जीवन देंगे, और उनकी बातों पर अगर जाइए तो स्वर्ग ला के दे देंगे आपको जमीन पे। ये चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं, चुनाव के बाद तो फिर वो गधे को भी देखना बंद कर देते हैं, लेकिन चुनाव से पहले तो वो ये भी कह देंगे कि आपको स्वर्ग उतार कर दे देंगे जमीन पर, आप कहोगे तो हथेली पे जान निकाल के दे देंगे आपके लिए। आप बोलो तो सही आपको क्या चाहिए, आप दूध मांगोगे हम आपको बासुंदी देंगे, बासुंदी मांगोगे हम आपको पेड़ा खिलाएंगे। तो सभी पार्टियां ये वायदा करती हैं और आप उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हो कि हमें इस पार्टी को देना है, उस पार्टी को देना। ठीक है भाई, आपने तय कर लिया, इसमें आपके अधिकार को मैं नहीं कहता हूं कि आपको समाजवाद का रास्ता अच्छा, आप समाजवादियों को दे दीजिए, राष्ट्रवादियों को लगता है राष्ट्रवादियों को। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने जिनको एक प्रोसेस से गरीबी भुखमरी बेकारी दूर करने के लिए वोट दिया, कल को उन्होंने संसद में जाकर उसके ठीक विपरीत प्रोसेस वालों के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली, तो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? अभी जो सरकार चलती है जिसको हम एनडीए कहते हैं, इस सरकार में धुर विरोधी, एक राष्ट्रवाद वाले दूसरे साम्यवाद वाले, ऐसे 21-22 पार्टियां हैं, धुर एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक मिनट उनको देखना पसंद नहीं है। उन्होंने आपसे अपने अपने एजेंडे पर वोट मांगा, जब आपने वोट दे दिया उसके बाद वो आपको भूल गए, सदन में जाकर आपके विपरीत विचारों वालों से गठजोड़ करके सरकार बना के बैठ गए। अब आप कहते हैं यही डेमोक्रेसी? ये तो मजाक है हमारे देश में, और ये मजाक दिल्ली से नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक, वो शायद बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। अनपार्लियामेंट्री ऐसे कहता हूं, हमारे यहां एक मुहावरा बन गया कि भाई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करो, माने गाली वाली मत दो किसी को, सबसे ज्यादा गालियां तो पार्लियामेंट में। अब देखो सबसे ज्यादा गालियां हिंदुस्तान में अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक दिन पार्लियामेंट में जाके बैठ जाइए आप, और दूसरे दिन आप जाना पसंद नहीं करेंगे। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री बनो, माने अशिष्टता की बात मत करो। जितनी अशिष्टता इस समय पार्लियामेंट में है कहीं आपको दिखती है? कोई किसी का माइक से सिर तोड़ रहा है, कोई किसी की धोती खोल रहा है, कोई किसी की पैंट खींच रहा है, यही सब तो है ना असेंबली में भी और पार्लियामेंट में। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं देख चुका हूं ये दृश्य मेरी आंखों से। उत्तर प्रदेश असेंबली में ऐसा 2 बार हो चुका है, एक दूसरे आमदार ने एक दूसरे का सिर तोड़ा था माइक का डंडा निकाल के, तो फिर किसी तीसरे को लगा तो चप्पल उठा के फेंकी, चौथे को लगा तो उसने मेज उठा के फेंक दी किसी के खोपड़े, फिर एक ने तो किसी बहन की साड़ी पकड़ के खींची।
यही पार्लियामेंट है, इसी को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। कहीं है नहीं, ना तो पार्लियामेंट्री है ना डेमोक्रेटिक है। तो फिर ये है क्या? ये सिस्टम हमारे देश में वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक है, जिसमें कुछ दो चार पांच लोगों को सब कुछ फैसला करने का अधिकार है, बाकी को सिर्फ उसको फॉलो करने का अधिकार। आप उसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो पूरे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही गलत हो, क्योंकि सिस्टम में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कभी गलत नहीं होता, जो फैसला करे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मान सकते, कैबिनेट से रिजाइन करिए, सरकार से बाहर जाइए। यही पार्लियामेंट होता है क्या? यही डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी तो वो होती है, हम हमारे परिवार में देखते हैं कि कहीं कोई गलती अगर हो गई तो आपको तो गलती सुधारने के लिए रास्ते बने हुए हैं। डेमोक्रेसी तो वहां है, सोसाइटी में डेमोक्रेसी है। हमारे समाज में पार्लियामेंट से ज्यादा डेमोक्रेसी है। गांव में अगर कोई गलत फैसला हो गया और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको सुधारने के लिए कोशिश की जाती है, फिर कि गलत हो गया ठीक कर लो उसको। वहां तो एक गलत फैसला हुआ तो करना ही है उसको, तो आप वापस नहीं ले सकते उसको। तो ना तो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री है ना ये डेमोक्रेटिक है, ये वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। और ये हमने क्यों लिया है? ये हमारी मूर्खता है कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो हमें ये बहस करनी चाहिए थी कि तुम्हारा दिया हुआ सिस्टम हम चलाएंगे या हम हमारे लिए अपना नया सिस्टम बनाएंगे। वो बहस अपने देश में नहीं हो पाई, वही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 1947 में 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़कर गए हिंदुस्तान को, तो जो बहस होनी चाहिए थी वो ये कि आप जो सिस्टम चलाते थे हम वही चलाएंगे या उसके अलग कोई सिस्टम चलाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लो कभी गलती से आप घर में किसी किराएदार को बुला गए, आप मान लीजिए इनमेट हैं, हाउस होल्ड रख, माने आपका कोई घर है, मकान है, आप उसके मालिक हैं। आपने किसी किराएदार को बुलाया, हमारे घर में रहने के लिए आओ, किराएदार आ गया। जाने अनजाने उस किराएदार ने आपको गुलाम बना लिया और घर का मालिक बन के बैठ गया, तो अब ना तो किराया देता है और ना ही मकान मालिक के आदेश का पालन करता है, ना उसके सुझाव मानता है। उल्टा उसने कर दिया है, मकान मालिक को आदेश देना शुरू कर दिया। तो अब किसी तरह से आपने संघर्ष शुरू किया, एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, और मान लीजिए एक दिन आप उसमें सफल हुए और आपने उस किराएदार को निकाल बाहर किया, तो अब आप क्या करेंगे अपने घर में? मैं आपको कल्पना देता हूं कि किराएदार ने आपके घर में मान लीजिए व्हाइट वॉशिंग करा रखा था, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको बदल के अपने हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे ड्राइंग रूम में किराएदार ने हमारी भावना के विपरीत कहीं कुछ कर लिया था, तोड़ लिया था, फोड़ लिया था। हम नहीं चाहते थे कि यहां सोफा रहना चाहिए, हमको लगता था यहां दीवान रहना चाहिए था, लेकिन उसने वहां सोफा डाल लिया, दीवान कहीं और ले जाकर पटक दिया, तो आप क्या करेंगे? किराएदार के जाते ही अपने ड्रॉइंग रूम को अपनी भावना के हिसाब से सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे, या उसी को लेकर रोते बैठेंगे कि किराएदार चला गया लेकिन हम ड्राइंग रूम वही लेके बैठे हैं जो वो चलाता था। मुश्किल अपने देश के साथ यही हो गई कि अंग्रेज आए थे किराएदार बनके, हो गए हमारे मालिक, लेकिन जिस दिन वो हमारा घर छोड़कर गए तो हमें संकल्प ये लेना चाहिए था कि अपने घर को हम अपने हिसाब से फिर बनाएंगे। वो आए थे, गलती हमारी थी, हमने उनको बुला लिया, अब वो गलती का सुधारा करेंगे, नए हिसाब से सिस्टम बनाएंगे और अपने घर को अपने तरीके से चलाएंगे। वही फैसला आज तक हम नहीं कर पाए। अंग्रेज जैसा कुछ छोड़कर गए थे वैसा ही ये देश आज भी चलता है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। छोटी छोटी बातों में मैं आपसे बताता हूं। अंग्रेज जब यहां आए थे उन्होंने कुछ कानून बनाए। कानून क्यों बनाए? अंग्रेजों की एक आदत थी कि वो जो भी करते थे कानून बना के करते थे, ये उनकी आदत थी। जैसे वो आपकी जेब काटेंगे, मान लो उन्हें आपकी जेब काटनी, पैसा आपसे छीनना, तो वो जेब नहीं काटेंगे, पहले जेब काटने का कानून बनाएंगे। और जब कानून बन जाएगा तो उसके लिए पुलिस बनाएंगे, वो पुलिस उस कानून को लागू करेगी, उसमें आपकी जेब काटी जाएगी। आप चिल्लाओगे कि भाई मेरी क्यों जेब काट रहे हो, तो वो कहेंगे हम तो कानून लागू कर रहे हैं, अब आपकी जेब कट रही है तो कटे, हमसे क्या लेना देना उसमें, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं।
हमेशा आप ध्यान दीजिए, अंग्रेज कहते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ फॉलो करने वाले हैं, माने जो कानून कहता है हम वही करेंगे। अब जैसे उनको भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कानून बनाकर। कानून बना उनके हाथ में था, सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कानून बनाकर। कानून बना उनके हाथ में था, पार्लियामेंट उनके हाथ में, कानून उनके हाथ में, कानून बना और कहा कि हिंदुस्तान में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो गुरुकुल हैं वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड, वो सब गैर कानूनी है, इनको बंद कर दिया जाए। तो कानून बना दिया उन्होंने और पूरे देश में लागू कर दिया। अब आप ये कहोगे कि आपके कानून से हमारे स्कूल बंद हो गए, तो कहेंगे होने दीजिए, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। माने हर चीज को वो लेजिटिमेशन देते थे, वो दिखाते थे दुनिया को कि हम भारत में जो भी कर रहे हैं वो लेजिटिमेशन देकर ही कर रहे हैं। भारत के लोगों को जलाना है, मार देना है, मान लो तो किसी बस्ती को समाप्त कर देना, बुलडोजर चलाना है, तो वो सीधे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, पहले बुलडोजर चलाने के लिए कानून बनाएंगे, कानून के बाद बुलडोजर चलेगा, उसमें करोड़ों लोग मर जाए, उनसे कुछ लेना देना नहीं, वो कहेंगे कानून का पालन कर रहे हैं। तो उनकी एक विशेषता थी कि वो जो भी करेंगे कानून बनाकर करेंगे और कानून के बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। तो कानून बनाते थे वो, उसी को लागू करते थे। तो उन्होंने भारत को गुलामगिरी में रखने के लिए 34,000 कानून बनाए थे कुल मिलाकर। उनकी मैंने लिस्ट बनाई। अंग्रेजों की सरकार शुरू हुई 1760 से, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब बंगाल में आया तो 1760 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने लगभग 34,000 कानून बनाए। और मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूं कि वो सब के सब कानून आज भी चलते हैं, सब के सब। अंग्रेजों ने कानून बनाकर जिनको शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया वो आज भी शेड्यूल कास्ट हैं, जिनको कानून बनाकर शेड्यूल ट्राइब्स घोषित कर दिया वो आज भी शेड्यूल ट्राइब्स। आप उनमें बदलाव नहीं कर पाए। अंग्रेज जो तय कर गए थे हिंदू कोड बिल, वही हिंदू कोड बिल चलता है पूरे देश। और वो कहते थे मुस्लिम कोड बिल हमें बनाना नहीं है, तो वो आज तक नहीं बन पाए। अब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो बहस हो सकती, लेकिन उन्होंने तय किया कि ये होना चाहिए तो हुआ, नहीं होना चाहिए नहीं हुआ। तो उन्होंने हिंदुस्तान को चलाने के लिए जो कानून बनाए उसमें से एक दो उदाहरण देता हूं आपको। जैसे हमारी संसद है, आप 3 साल पहले की जरा कल्पना करिए। अभी तो 3 साल में थोड़ा बदलाव आया है संसद में, बहुत ही खराब थी पहले तो। हर बार संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, हर बार। 1947 से 1997 तक 50 साल संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। एक बार मेरे मन में विचार आ गया कि ये बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है, जब संसद बंद होने वाली होती है तब बजट पेश होता, सवेरे क्यों नहीं करते 11 बजे। तो मुझे किसी सांसद ने कहा कि कानून है 5 बजे बजट पेश होना चाहिए संसद। तो मैंने खोजना शुरू किया कि भाई अगर कानून है तो पता करो कब बनाया गया। तो पता चला कि वो कानून बना 1927 में, 1927। अब मैंने ये भी पता किया कि 1927 में ये कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया। इसके हर एक काम को करने के पीछे कुछ तो कारण होता है, बिना कारण तो दुनिया में कोई काम नहीं होता। तो मैंने पता किया तो ये जानकारी मिली कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बजट की कमेंट्री लंदन की पार्लियामेंट में सुननी रहती थी, वो सुनना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वहां बोर्ड ऑफ कमिश्नर की एक कमेटी थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठती थी, जो हिंदुस्तान के फैसले करती थी, उन्हीं फैसलों को ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लागू करती थी। लंदन की पार्लियामेंट सवेरे खुलती है 11:30 बजे, तो जब वहां सवेरे के 11:30 का समय होता है तो यहां शाम के 5 बजते हैं उस समय। तो उन्होंने ठीक ही बनाया काम, भाई वहां के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को हिंदुस्तान के बजट की बहस सुननी है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो तो सुबह 11 बजे आएंगे, उसके पहले तो आ नहीं सकते, बाद में भी नहीं। तो वो बहस उनको वहां सुननी है, तो यहां की पार्लियामेंट का टाइम उन्होंने सेट किया कि भाई यहां 5 बजे बजट पेश करो, तो सुबह 11:30 बजे हम वहां सुनेंगे बैठ के। तो कानून बना दिया कि सवेरे शाम को 5 बजे बजट पेश होना चाहिए। अब हिंदुस्तान के मूर्ख नेताओं को देखो,
कि वो कानून 1947 से 97 तक चलता रहा, 97 तक ये कानून चलता रहा। फिर एक बार आपको याद होगा कि अपनी संसद में एक बड़ी बहस हुई थी आजादी के 50 साल पूरे होने के बाद। आपको मालूम है संसद रात 12 बजे चली थी, तो उस सेशन में मैंने ये बात उठाई। एक सांसद महोदय हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर, एक्सपीएम जिनको आप कहते हैं, उनको मैंने ये लिख के दिया कि हम इतने मूर्ख लोग हैं, इतने कूड़ मगज हैं कि अंग्रेजों ने कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से कानून बनाया था, 50 साल हो गए हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, इसको बदलते क्यों नहीं। तो मैंने कहा हां बदलना चाहिए। तो मैंने कहा आप भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने क्यों नहीं सोचा कि फुर्सत ही नहीं थी इसको सोचने की। अब तुम कह रहे हो तुम जरूर सोचेंगे इस पे, तो मैंने कहा सिर्फ सोचेंगे या संसद में उठाएंगे। तो उनका उठाएंगे, तो उठाया मुद्दा उन्होंने संसद में। तो फिर जब उन्होंने उठाया तो बहुत खासदारों ने कहा हां बात बिल्कुल सही है, क्यों शाम को 5 बजे बजट आना चाहिए, हमारी संसद तो 11 बजे चलती है। तो आपको मैं बताता हूं, हैरानी आपको होगी, 3-4 मिनट में फैसला भी हो गया कि हां सवेरे 5 बजे वो शाम को 5 बजे का समय खत्म करो, सवेरे 11 बजे कानून बना दो। तो 3-4 मिनट में फैसला हुआ, और फैसला होने के तत्काल बाद सरकार ने रात को नोटिफिकेशन जारी किया और तय कर लिया कि इस साल से बजट सवेरे 11 बजे पेश होगा जब सदन शुरू होगा। तो 3-4 मिनट का काम था, लेकिन 50 साल नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? कभी कभी मुझे ये लगता है कि इतनी सामान्य सी बात जो आपको समझती है, मुझको समझती है, ये महानुभाव लोगों को नहीं समझती। अब ये तो खैर बदल गया, अब पिछले 3 वर्षों से लगातार बजट सवेरे 11 बजे आ रहा, शायद आगे भी आएगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून को बदलने में 50 साल लग गया, जो 3 मिनट का काम था बस। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, अपनी संसद में जब बहस होती है तो आप जरा ध्यान दीजिए, अपने जो खासदार हैं वो किसी ड्राफ्ट पर बहस करते हैं, कोई ड्राफ्ट आता है बनकर उस पर वो बहस करते हैं। वो ड्राफ्ट जो है बिल कहलाता, विधेयक हम कहते हैं उसको हिंदी में। तो वो जिस बिल पर बहस करते हैं उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो सेक्रेटरी करता है, पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी ड्राफ्टिंग करता है। उसके पास सेक्रेटरीज की एक टीम रहती है, जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट का जो होता है उसके पास जॉइंट सेक्रेटरीज लेवल के कई अधिकारी होते हैं, उनसे वो ड्राफ्टिंग कराता है, और वो सारे अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईसीएस ऑफिसर्स भी कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स उनको कहा जाता है। मैंने एक बार ये प्रश्न उठाया कि भाई आप मेरे खासदार हैं जो आप संसद में बैठे हैं, आप बहस करते हैं, तो जिस बात पर आप बहस कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग खुद क्यों नहीं करते आप? मैं वहां बहस कर रहा हूं लेकिन ड्राफ्टिंग मैं नहीं करता, ड्राफ्टिंग कोई और करता है, उस पर मैं बहस करता हूं सिर्फ। और अगर मुझे बहस के बाद ये लगे कि इस ड्राफ्टिंग में एक्स वाई जेड पॉइंट्स गलत हैं, तो मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो सेक्रेटरी के पास वापस जाएगा, सेक्रेटरी उस पर विचार करेगा और जॉइंट सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाएगा। हो सकता है वो 3 महीने मीटिंग चलती रहे, और सिर्फ कॉमा चेंज करना है तो 3 महीना लग जाएगा, फिर वो कहेगा हाँ कॉमा चेंज करना ठीक है, तो फिर वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो नोटिफिकेशन के बाद कॉमा चेंज होगा, फिर नया ड्राफ्ट होगा, फिर सदन में आएगा, फिर बहस होगी उस पर, तब कहेंगे हाँ देखो अभी ड्राफ्ट ठीक हो गया। कितना समय लगा? 3 महीना एक कॉमा बदलने में। मुझे अगर अधिकार है ड्राफ्टिंग का, तो मैं इमीडिएट पेन निकाल के कहूंगा भाई ये कॉमा यहां ठीक करो, इसमें तुमने स्पेलिंग गलत की है, एस नहीं होना चाहिए था, एस इसको हटाओ, यहां ये साइलेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस हो गया काम खत्म। लेकिन नहीं, वो सेक्रेटरी के पास दोबारा जाएगा, फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, फिर मीटिंग में प्रस्ताव आएगा, फिर वो कहेंगे ये कॉमा यहां चेंज करना है, फिर वो 3 महीने भी मीटिंग चल सकती है, तब तक सेशन निकल जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में वो बिल आएगा, और हो सकता है इसी तरह से 10 साल चल जाए, काम ही नहीं हो पाए। अब इतनी अकल नहीं है क्या हमारे सांसदों को कि भाई ये कॉमा फुल स्टॉप जैसे चेंजेस हम खुद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर लेते? तो एक ने कहा साहब नियम नहीं है। तो नियम क्यों नहीं है? अंग्रेजों ने बनाया था नियम, वो ये कहते थे कि जो भी कुछ होगा वो सेक्रेटरी करेगा, खासदार नहीं कर सकता।
तो अगर हमारा खासदार, अगर हमारा एमपी, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्ट नहीं बना सकता तो फिर हमारा प्रतिनिधि हुआ किस बात का? वो सिर्फ बहस करने के लिए? लाउड स्पीकर थोड़ी भेजा हमने वहां पर। वो सिर्फ बहस कर सकता है उस ड्राफ्ट पर, यस नो कर सकता है, लेकिन चेंज करना हो तो नहीं कर सकता। ऐसा नियम है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बना रहे थे। तो ऐसे हमारे देश में 34,000 नियम हैं, अंग्रेज बना गए थे। एक और उदाहरण देता हूं, अगर आप में से कोई सरकारी अधिकारी यहां बैठे हैं तो उनको मेरी बात तुरंत समझ में आएगी। आप देखिए, सब सरकारी अधिकारी एक बात से बहुत परेशान रहते हैं, वो है ट्रांसफर, कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए ना। एक ही चिंता उनको जिंदगी भर रहती है, भाई ट्रांसफर ना हो जाए, ट्रांसफर। क्योंकि मैं मेरे परिवार में देख चुका हूं, मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी रहे, तो वो हमेशा एक ही चीज से चिंता करते थे, ट्रांसफर। बाकी उन्हें कोई चिंता नहीं, देश भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, नरक में जाए, भाई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मेरे घर की बात कह रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं करता। और मेरे पिताजी हमेशा अपने जो हायर ऑफिसर्स थे उनको खुश करने में रहते थे कि ये ट्रांसफर ना करा दे मेरा। तो उनको सबसे बड़ा डर लगता था ट्रांसफर का। तो एक बार मैंने पूछा कि ये ट्रांसफर से आपको क्यों डर लगता है, तो कहने लगे हर 3 साल में ट्रांसफर का नियम है, और अगर सीआर ठीक नहीं रहे, ऑफिसर बराबर नहीं हो तो कर देगा ट्रांसफर। तो कहीं भी जाना पड़ेगा, हो सकता है अगरतला जाना पड़े सिक्किम, और हो सकता है तो मद्रास जाना पड़े। मैं नहीं जाना चाहता, अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता, तो ट्रांसफर ना हो उसके लिए वो सब घोटाले करने को तैयार, बस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। रिश्वत देनी है रिश्वत भी देंगे, किसी की चापलूसी करनी है चापलूसी भी करेंगे, उसके घर में जाकर कुछ काम भी करना पड़ा तो करके आएंगे हायर ऑफिसर का, लेकिन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक बार ये समझने की कोशिश की कि हर अधिकारी ट्रांसफर से डरता है, तो इसका इतिहास क्या ट्रांसफर का? तो पता चला अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1860 में, जिसको हम कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इसी कानून के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जैसे लोगों की नियुक्ति होती है, उसके आधार पर परीक्षा होती है। तो वो कानून जब 1860 में बना था तो 1857 में, उसके 3 साल पहले, भारत में गदर हो गया था, विद्रोह हो गया था। आपको जानते हैं 1857 का विद्रोह। अब हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशानी उन हिंदुस्तानियों से हुई थी जो अंग्रेजों की सरकार में नौकरी करते थे। सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने ही किया था अंग्रेजों को। आप एक नाम जानते हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन था? एक हिंदुस्तानी था लेकिन अंग्रेजों में नौकरी करता था, फौज में नौकरी करता था। तो मंगल पांडे कोई अकेला नहीं था, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। मंगल पांडे ने क्या किया था, एक अपने से बड़े पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी थी। और प्रश्न क्या था, वो गाय की चर्बी के कारतूस का मामला था। मंगल पांडे को एक दिन पता चला कि मुझे कारतूस मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें गाय की चर्बी है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, जो अंग्रेज अधिकारी मुझे इसके लिए मजबूर करता उसको मैं मार दूंगा। मार दिया उसने एक दिन। जब उसने मार दिया तो ये आग की तरह से फैल गई बात। फिर एक दिन मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल किया, अंग्रेजों ने मार दिया। तो जब अंग्रेजों ने मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया तो तत्काल पूरे देश में एक लहर फैल गई, और जहां भी अंग्रेजों की सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने बगावत कर दी। अब वो बगावत इतनी भयंकर थी कि अंग्रेजों को उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी इंग्लैंड से, स्पेशल आर्मी आई इंग्लैंड से, और उस आर्मी ने किसी तरह से भयंकर नरसंहार करके लोगों को मारा पीटा, उनको यातनाएं दी, तब जाकर उन्होंने उसको कंट्रोल किया। जैसे ही कंट्रोल हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हुई, और चर्चा इस बात पर हुई कि भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो उसके लिए कुछ करो। तो एक टीम भेजी गई इंग्लैंड से, वो टीम हिंदुस्तान में आई, उसने दौरा किया, दौरा करने के बाद उसने रिपोर्ट बनाई और उसने ये कहा कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि भारत का कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में जब नौकरी करे तो बगावत ना करे हमारे खिलाफ, ऐसा नियम बनाना चाहिए। तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई, तो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए। जैसे उन्होंने एक ये बात कही कि भारत में कोई भी कर्मचारी जो भारतीय है और अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है उसको किसी ऐसे स्थान पर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए जो उसका अपना स्थान हो। जैसे मैं अमरावती जिले का रहने वाला हूं तो मुझे अमरावती में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मुझको मिलेगी मद्रास में।
अब मैं नहीं जानता तमिल भाषा तो भी मुझे पोस्टिंग मद्रास में मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। दूसरा नियम उसमें यह बनाया गया कि जिस कर्मचारी को आप पोस्टिंग दे रहे हो वो लगातार एक ही स्थान पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो वहां के लोगों से दोस्ती कर लेगा और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देगा। तो उन्होंने समय तय कर लिया कि देखो 6 महीने ट्रांसफर का, आना जाना और सेटल होना, 2-2.5 साल काम का, तो उन्होंने मैक्सिमम 3 साल का पीरियड तय किया कि एक सरकारी कर्मचारी को 3 साल से ज्यादा पोस्टिंग एक स्थान पर नहीं मिलनी चाहिए। फिर ऐसे ही ऐसे ढेर सारे नियम उन्होंने बना दिए। उसके आधार पर अब इस देश में सर्विस रूल्स बने और वो सर्विस रूल्स लागू हुए, वही सर्विस रूल्स जो 1860 में लागू हुए थे, सन 2001 में भी चल रहे हैं, वही सर्विस रूल्स कि आप 3 साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहेंगे और अपने गांव में आपको पोस्टिंग कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या होता, मद्रास का एक आदमी अमरावती में कलेक्टर हो जाता, जो मराठी नहीं जानता, महाराष्ट्र को नहीं जानता, यहां का हिस्ट्री नहीं मालूम, यहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम, लेकिन यहां का कलेक्टर है। और अमरावती का एक आदमी मद्रास में कलेक्टर है, जो तमिल नहीं जानता, तमिलनाडु को नहीं जानता, वहां का हिस्ट्री नहीं मालूम, वहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम, लेकिन वो वहां कलेक्टर है। अब ये जो अधिकारी जब जाते हैं, चार्ज लेते हैं, तो वो कहते हैं कि 1 साल तो हमको समझने में लगता, 1 साल समझने में लगता है, फिर हम 1 साल काम करते हैं और 3रे साल तैयारी करते हैं कि अब ट्रांसफर होने वाला, तो काम तो वो 1 ही साल करते, अगले साल तैयारी होती है कि अब पता नहीं कहां ट्रांसफर होगा, तो बैग एंड बैजेज बांध के तैयार रहते हैं कि अब पता नहीं यहां जाएंगे वहां जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने ये कानून बनाया इसलिए कि हमारे यहां बगावत ना हो जाए उनके खिलाफ, हम वही कानून क्यों चला रहे हैं आजादी के 54 साल के बाद भी? अब हमें किस बगावत का डर है? क्यों 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए और क्यों ये पोस्टिंग हमको उसी जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए जो हमारा गांव है? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये कुछ बातें मैं आपसे कह रहा था, दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं, हास्यास्पद भी हैं, लेकिन हमारे सिस्टम का ये अभिन्न अंग है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, राशन कार्ड आप बनवाते हैं तो राशन कार्ड आपकी नागरिकता का पहचान पत्र है। आप जानते हैं अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं, आप कुछ भी कर लो आप भारत के नागरिक तभी हैं जब आपके पास राशन कार्ड है। माने मेरे दादा परदादा 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 500 साल से इसी गांव में रहते आए तो भी मैं नागरिक नहीं जब तक मेरे पास वो कागज का पत्र नहीं जिसमें राशन कार्ड हो, और कहीं खो गया तो दोबारा बनवाना और मुश्किल, खो गया गलती से तो गया काम से। अब मैंने एक बार सोचा कि ये राशन कार्ड से नागरिकता का क्या लेना देना, हम तो ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ वो नेचुरल सिटीजन है वहां का, लेकिन वो सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड लगता, मां बाप नहीं लगते, राशन कार्ड लगता सिद्ध करो कि मैं यहां का नागरिक। अच्छा और मजे की बात है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट लगता, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं होगा तो गया आपका, नहीं बनेगा राशन कार्ड और आप नागरिक ही नहीं है भारत के, और नागरिक नहीं है तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता। विचित्र है, क्यों है? अंग्रेज बना के गए थे राशन कार्ड का कानून, तो चलता है राशन कार्ड का कानून अपने, वैसे का वैसा ही डिट्टो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, उसके आधार पर बने थे राशन कार्ड, वही कानून आज भी है पूरे देश में। ऐसे ही एक और मजे की बात बताता हूं, आपके गांव में मान लीजिए कोई छोटे से छोटा अधिकारी गांव में कौन होता, तलाटी कहते, क्या कहते हैं मराठी में, पटवारी, पटवारी सबसे छोटा अधिकारी। तो आप जरा देखो ये सिस्टम क्या है, पटवारी जो सबसे छोटा अधिकारी किसी गांव में है उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है, अपने हायर ऑफिसर के प्रति, और उसका हायर ऑफिसर एसडीएम हो सकता है, एसडीओ हो सकता है, एसडीओ की अकाउंटेबिलिटी डीएम के प्रति, डीएम की अकाउंटेबिलिटी सेक्रेटरी के प्रति, सॉरी कमिश्नर के प्रति, कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उसके प्रति, चीफ सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रति, और कैबिनेट सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं।
हो गया कस्सा। कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके, आप जानते हैं हिंदुस्तान सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो, क्यों? क्योंकि अंग्रेज कानून बना गए थे, वैसे ही चल रहा है। अब आप जरा देखो कि मेरा जो पटवारी है गांव का, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी एसडीएम या एसडीओ के प्रति है, तो वो जिंदगी भर क्या करेगा? एसडीओ को खुश रखो, एसडीएम को पटा के रखो, क्योंकि वो उसकी सीआर खराब कर सकता है, उल्टी रिपोर्ट लिख देगा, प्रमोशन रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसको गांव के लोगों की चिंता नहीं है, गांव के लोगों से वो अत्याचार करेगा, घूस लेगा, रिश्वत लेगा, क्योंकि वो जानता है कि गांव के लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ना तो मेरी सीआर लिख सकते हैं, ना मेरा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो उसको खुश रखना है एक एसडीओ को, एसडीओ को खुश रखना है डीएम को, डीएम को खुश रखना है कमिश्नर को, कमिश्नर को खुश रखना है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी खुश रखेगा कैबिनेट सेक्रेटरी को, और ये सब हरामखोर मेरे पैसे पे पगार पा रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखेंगे। मैं उनकी पगार के लिए पैसा दे रहा हूं मेरे टैक्स में से, आप ही पैसा दे रहे हैं, मैं पैसा दे रहा हूं, हम उनकी पगार दे रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखेंगे। जिनसे पगार नहीं मिल रही है उनको खुश रखेंगे, क्यों? क्योंकि कानून वैसा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर के प्रति, जिस जनता की सेवा कर रहे हैं उसके लिए कुछ लेना देना नहीं है, वो भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, मरे भूख से, कुछ भी हो जाए, हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर्स के प्रति है, तो चाटुकारिता चलती है वहां पे, तो करप्शन तो होने ही वाला है, आप कैसे रोकोगे करप्शन को, जरा बताओ मुझे। तो सिस्टम ऐसा है अपना, और ये सिस्टम अगर इसी तरह से अंग्रेज चलाते थे तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम ये थी कि 50,000 अंग्रेजों को 34 कोटि लोगों के ऊपर शासन करना था, ये उनकी प्रॉब्लम थी। या अगर ऐसे कहें कि 50,000 अंग्रेजों को 20 कोटि लोगों के ऊपर राज्य करना था, शासन करना था, तो 20 कोटि लोगों को रूल करने के लिए 50,000 लोग क्या कर सकते हैं? तो कुछ कानून बना के ही हो सकता है ना, डंडे से तो संभव नहीं है, कैसे करेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता। 50,000 लोग दो दो डंडे लेके भी खड़े हो जाए हाथ में, तो संभव नहीं है कि 20 कोटि लोगों को रूल कर सके। वो हाथ में मशीन गन ले लें, तोप ले लें, बंदूक ले लें, कुछ भी ले लें, दुनिया की कोई ताकत लेके खड़े हो जाए, रूल ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने हिसाब जोड़ा कि 50,000 अंग्रेज अगर 20 कोटि लोगों को रूल करें तो उसकी रूलिंग के लॉज बना दो, उसके हिसाब से रूलिंग चलेगी। तो उन्होंने कानून बना लिए, वही कानून को रूलिंग कहा, उसी के आधार पर सजा तय हुई कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आप जेल में जाइए, करते हैं तो आप बाहर रहिए। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई। अब यह व्यवस्था वो चलाते थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, वो 50 कोटि लोगों को ला नहीं सकते थे कहीं से, उनके पास थे ही नहीं। इंग्लैंड से एक बार डिमांड उठी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था कि 50,000 ऑफिसर से देश भारत को मेंटेन मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कुछ भी करो, हम तो एक आदमी ज्यादा नहीं दे सकते आपको, है ही नहीं हमारे पास, देंगे क्या से? तो 50,000 लोग जब 20 करोड़ पर शासन करें तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस नियम बनेंगे, अगर वही रूल रेगुलेशंस नियम हम चलाएंगे तो उसमें से रिजल्ट तो वही आएगा जो उस जमाने में आता था। सिस्टम तो वही है ना, तो प्रोडक्ट भी उसमें से वही निकलेगा। आपने मशीन नहीं बदली है, मशीन वही चला रहे हैं जो अंग्रेज चलाते थे, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो मशीन बनाती थी। मैं कई बार इसको मजाक में कहता हूं कि हमने कार नहीं बदली है, कार का ड्राइवर बदल लिया है। कार तो वही चल रही है, कार नहीं बदली, सिस्टम नहीं बदला। अब सिस्टम नहीं बदलेंगे तो आप किसी को भी ड्राइवर बना के बिठाओगे, रिजल्ट वही आएंगे, आप उससे कुछ नया अपेक्षा मत करिए, आप ये जान लीजिए। आप राजीव दीक्षित को भी बिठा दीजिए तो भी यही रिजल्ट आएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। सिस्टम नहीं बदलते, रिजल्ट वही आएंगे, प्रोडक्ट वही निकलेगा। मशीन नहीं बदलेंगे, आप जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, मान लो आप लेथ मशीन का डिजाइन नहीं बदले, आपके प्रोडक्ट का डिजाइन बदलेगा क्या? सेम डिजाइन प्रोड्यूस होगा जो 200 साल पहले होता था। अगर वो बदलना है तो सिस्टम बदलना होगा, और सिस्टम बदलने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। वो एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमारे देश में यही परिस्थिति लगातार हमारी आंखों के सामने आती रहेगी और हम खून के आंसू रोते रहेंगे।
गरीबी है, भूखमरी है, वो तो होने ही वाली है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सिस्टम चलाया उसमें से गरीबी निकलने ही वाली है, बेकारी निकलने ही वाली है, भूखमरी होने ही वाली है, क्योंकि वो यही चाहते थे, इसी हिसाब से सिस्टम चलाते थे। तो आप पूछोगे फिर क्या होना चाहिए। मेरे सामने आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है कि आजादी मिले हुए अगर 54 वर्ष हमें पूरे, हमने तो संविधान बना लिया, घटना बना ली, संविधान बना लिया, लेकिन वो चलता उसी सिस्टम से है जिसको अंग्रेज तय करके गए थे। वो हमारे सिस्टम से तो चलता नहीं, वो चलता उसी सिस्टम से जिसको अंग्रेजों ने तय किया था, क्योंकि संविधान अपने आप में कोई चीज नहीं है। संविधान के इतर जो कानून है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो तय करते हैं देश कैसे चलना चाहिए। संविधान में तो बहुत सारी अमूर्त बातें लिखी हुई हैं, वो रूल के हिसाब से फॉलो की जाती हैं पूरे देश में। तो अगर वो रूल्स नहीं बदलते हैं, वो रेगुलेशंस नहीं बदलते हैं, तो सिस्टम बदलने का प्रश्न ही नहीं है। वो रूल्स रेगुलेशन वैसे ही चलते हैं तो सिस्टम नहीं बदलेगा। आप उसको कहते रहो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो आपकी खुशफहमी के लिए है, वास्तव में वो है गुलामगिरी का एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। तो अब भारत के लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं इस मान्यता का हूं, हम सब लोगों को बहुत शांत भाव से, बहुत प्रशांत भाव से अपने इस सिस्टम का एनालिसिस करना चाहिए, और वो सिस्टम का एनालिसिस दो आधार पर करना चाहिए, गाली गलौज करके नहीं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम गालियां देना शुरू कर दें, तो ठीक है, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, गालियां देते रहिए या रोते रहिए कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, वो तो होने ही वाला है। जैसे हम कई बार परेशान होते हैं, भ्रष्टाचार है। अब जिस सिस्टम में एक ऑफिसर अपने द्वारा सेवा की जाने वाली जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, तो भ्रष्टाचार तो बनेगा ही वहां से, और क्या बनेगा उसमें, यही होने वाला। हम चिल्लाते रहे कि भ्रष्टाचार है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो बनाने के लिए ही सिस्टम है ये पूरा। आप इस सिस्टम में सदाचार की थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इसमें से भ्रष्टाचार ही पैदा होने वाला पूरे सिस्टम में, करप्शन ही निकलेगा इस पूरे सिस्टम में। तो अगर आप चाहते हैं कि करप्शन दूर हो, भुखमरी दूर हो, बेकारी दूर हो, मारामारी दूर हो, तो यह आप सिस्टम बदलिए। तो यह सिस्टम कैसे बदलना, सिस्टम बदलने का सामान्य सा सिद्धांत कि जो कुछ अंग्रेज चलाते थे उसको उठाकर फेंक देना, हमें अपने हिसाब से नया बनाना। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि MPs ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते बिल की, हम उस कानून को फेंक दें, हम तय कर लें कि हमारी ड्राफ्टिंग MPs करेंगे, हमें जॉइंट सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, हटाओ उस पोस्ट को, क्या जरूरत। अंग्रेजों ने तय किया कि पटवारी की अकाउंटेबिलिटी SDO के प्रति है, हम तय करेंगे कि पटवारी की अकाउंटेबिलिटी गांव की पंचायत के प्रति है, नियम बदल लो। पटवारी अगर गांव की पंचायत के प्रति अकाउंटेबल है, तो हमेशा उसको गांव की पंचायत की खुशी देखनी होगी, और गांव पंचायत नाराज हुई तो पटवारी गया काम से, तो गांव पंचायत नाराज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई काम पटवारी नहीं करेगा, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता कि फिर करप्शन हो। और SDO की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप डिवीजन में तय कर दीजिए कि इस डिवीजन के लोगों के प्रति SDO की जवाबदेही है, DM है, DM की जवाबदेही डिस्ट्रिक्ट के प्रति है, डिस्ट्रिक्ट के लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, ना कि चीफ सेक्रेटरी के प्रति। आप देख लो DM सीधा काम करना शुरू कर देगा। अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये बदलाव बहुत आसान है, बस इतना ही करना पड़ेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक्स हमारे यहां है, अंग्रेज एक सर्विस मैनुअल छोड़ के गए हैं, उसमें कुछ 12-15 हजार पन्ने हैं, एक दिन में गिन रहा था उनको, 15 हजार पन्ने के मैनुअल्स हैं इस देश में, जेल मैनुअल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल्स हैं, पुलिस मैनुअल्स हैं। जेल मैनुअल्स माने जेल चलाने के नियम, जैसे जेल चलाने के नियम एक बार मुझे पता चला कि क्या है, मैं एक बार गिरफ्तार हुआ, ऐसा तो होता रहता हम लोगों के साथ, जब ये गेट करार सही हुआ था तो एक अंग्रेज अधिकारी, सॉरी एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, वो भारत की यात्रा पे आया, हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया, सत्यानाश किया, गेट करार इसने सही करवाया, डंकल प्रस्ताव बनाया, इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी पिटाई की थी, मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी थी। आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था, पुलिस के सामने पीटा था।
और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था। मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहां घुसने का नहीं दिल्ली में। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वो भारत सरकार का मेहमान था। हमने कानून का उल्लंघन किया कि भारत सरकार के मेहमान की पिटाई कर दी, तो जेल तो होनी थी, तो हम जेल गए। जब मैं जेल में पहुंचा तो उस समय सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो, किरण बेदी तिहाड़ जेल में थी, वो सुपरिंटेंडेंट थी वहां की, किरण बेदी। तो जब हम गए तो वो सब नाम नोट शुरू हुआ, जैसे मैनुअल्स में लिखा हुआ ना कि नाम कैदी का, बाप का, उम्र वगैरह सब। फिर ये कहा उन्होंने कि आप अपने कपड़े उतारो। एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा कपड़े उतारो। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा आपका बॉडी मार्क चेक करना। तो मैंने कहा बॉडी मार्क आप चेक करोगे मैं बता देता हूं, कपड़े क्यों उतरवाते हो मेरे? तो उसने कहा रूल है ये। भाई बड़ा विचित्र, तुम पूछ रहे हो, मैं बताता हूं मेरे बॉडी मार्क क्या है। मैं बताता हूं कि मेरी दाहिनी टांग पर तिल है, कि मेरे पैर में तिल है, कि मेरे कान के पीछे है, या मेरी आंख के पीछे, मैं बताता हूं, तुम लिखो इसमें। उसने कहा नहीं साहब, आप बताओ जरूर, लेकिन मैं आपके कपड़े उतरवाऊंगा और इसमें लिखा जाएगा कि मैंने कपड़े उतारे, चेक किया, तब वहां वहां मुझे उनका बॉडी मार्क मिला। तो मैंने कहा मैं नहीं उतारूं तो उसने कहा कि मुश्किल हो जाएगी आपको भी मुझे भी। तो मैंने कहा मैं यहां आमरण अनशन पर बैठ जाऊं तो उसने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा ये मेरा जो भारत देश में आजादी के बाद संविधान लागू होने के अंतर से मुझे जो मौलिक अधिकार मिला है वो आप अनहन कर रहे हैं उसका। तो उसने कहा भाई मौलिक अधिकार आप अपने बाजू में रखो, मुझे बॉडी मार्क चेक करना। तो फिर मेरी जब मुलाकात हुई किरण बेदी से तो मैंने उनको पूछा ये बॉडी मार्क क्यों चेक करते हैं? तो उन्होंने कहा वो 1860 में कानून बना था, अंग्रेजों ने तय किया था, तो तब से चला आ रहा बॉडी मार्क चेक। तो मैंने कहा मुझे वो मैनुअल पढ़ना है। तो उन्होंने कहा और क्या करोगे आप यहां आके, यही तो खुराफात करोगे, शांति से तो रहने नहीं दोगे। मैंने कहा आपने गलत आदमी को गिरफ्तार किया, अब आप मेरे जैसे आदमी को यहां रखेंगे तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे रिहा कर दो आप। तो उन्होंने कहा वो तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा मैनुअल्स मुझे देखने हैं कि 1860 में अंग्रेजों ने तय किया तो क्यों तय किया। तो उसने बड़ी मेहनत की बेचारी ने, फिर वो लेके आई मैनुअल्स अगले दिन सवेरे। वो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का कोई भी कैदी अंग्रेजी अधिकारी के लिए कैदी से ज्यादा गुलाम है और उसका अपमान होना ही चाहिए, इसलिए आपको कपड़े उतरवाने पड़ेंगे। बॉडी मार्क चेक करना कम महत्व की बात थी, आपका अपमान करना है वो महत्व की बात है। तो अंग्रेज अपमान करते थे हमारा क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, तो गुलामों का अपमान कदम कदम होना ही चाहिए, ये अंग्रेज मानते थे, नहीं तो गुलाम भड़क जाएगा। अंग्रेजों की थ्योरी थी कि जिनको आप गुलाम बनाते हैं हर कदम उनका अपमान करना आपका धर्म है, नहीं तो वो गुलाम आपके खिलाफ बगावत कर देगा। तो हर कदम उन्हें हमारा अपमान करना था, इसलिए उन्होंने बॉडी मार्क चेक करने का कानून बनाया और हमारी ये मूर्ख सरकारें 54 साल में उस कानून को बदल नहीं पाई आज तक, वो आज भी है कानून। खुदा न खास्ता गलती से आप किसी दिन गिरफ्तार हो जाएं और आपको जेल जाना पड़े तो आपका भी बॉडी मार्क चेक होगा, भले ही आपको कितना ही अपमानजनक लगे। और यहां कोई मानवाधिकार संगठन ये सवाल नहीं उठाता कि बॉडी मार्क क्यों चेक किया जाता है। जब कोई आदमी सामने से बताने को तैयार है कि मेरे ये बॉडी मार्क हैं, फिर आप उसको चेकिंग क्या कर रहे हैं? तो वो चेकिंग से ज्यादा आपके कपड़े उतरवा कर आपको नंगा करना, ये आपके लिए अपमान है और उनके लिए स्वाभिमान है। वो सिस्टम उन्होंने चलाया, वही हम चला रहे, पूरे देश नहीं बदला कुछ भी। जेल मैनुअल्स के एक भी कानून नहीं बदलेगा इस देश, पुलिस मैनुअल के एक भी कानून नहीं बदलेगा। पुलिस है डंडा लेके घूमती है, आप किसी पुलिस ऑफिसर से पूछो डंडा क्यों है तुम्हारे हाथ, पूछो आप किसी पुलिस कांस्टेबल से कि भैया तुम डंडा ठक 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 करके घूमते हो, क्यों डंडा है तुम्हारे हाथ? किसी और अधिकारी के हाथ में आपने डंडा देखा? पुलिस के अधिकारी के हाथ में डंडा, बड़ा ऑफिसर है तो छोटा रूल लेके चलेगा और छोटा अधिकारी है तो लंबा सा डंडा लेके चलेगा। क्यों? कोई भेड़ बकरियों को चराने जाना है क्या? गांव का कोई लकड़हारा भेड़ बकरियों को चराने जाता तो डंडा लेके जाता, तो ठीक है भाई, डंडे से भैंस को हांकता है, बकरी को हांकता तो ठीक है भाई, तुम ये पुलिस वाले क्यों डंडा ठक 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 लिए? कुछ भेड़ बकरी तो हांकनी नहीं है आपने,
तो एक बार ये प्रश्न मैंने उठा और मेरे घर में उठा, मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर रहे, तो उनको एक बार मैंने कहा कि आप ये डंडा लेके क्यों चलते हैं, तो कहने लगा मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा पता लगाओ, कुछ तो इसका कानून होगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि हर पुलिस ऑफिसर को डंडा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों लिखा हुआ है, तो 1860 का ही कानून है जिसको कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट, उस कानून में यह लिखा हुआ है कि पुलिस है वो अंग्रेजों की है और डंडा जिस पर चलेगा वो भारतीय लोग हैं। तो अंग्रेजों की पुलिस के हर एक व्यक्ति के हाथ में डंडा होना चाहिए ताकि वो भारतीय व्यक्ति को जब चाहे तब पीट सके। तो इंडियन पुलिस एक्ट के हिसाब से हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को एक अधिकार दिया गया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू ऑफेंस, और मैं जिसकी पिटाई हो रही है उसको कोई अधिकार नहीं है राइट टू डिफेंस। मुझे अपना डिफेंस करने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर ने डंडा चलाया, मैंने उसका डंडा पकड़ लिया, तो केस मेरे ऊपर बनेगा ना कि उसके ऊपर, कि आपने एक पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका। आप जरा समझिए मेरी बात, पुलिस ऑफिसर मुझे डंडे से पीट रहा है, मैंने अपने बचाव में डंडे को अगर पकड़ लिया तो मुझे मुकदमा झेलना होगा, और मुकदमा इस आधार पर बनेगा कि इस व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका। उसकी ड्यूटी क्या है, मेरे ऊपर डंडा चलाना, और मैंने पकड़ लिया तो आपने उसको राइट टू ऑफेंस दिया लेकिन मुझे राइट टू डिफेंस नहीं है। यह कानून 1860 का बनाया हुआ आज भी पूरे देश में लागू है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं। तो मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि अगर हम आजादी चाहते हैं, स्वराज्य चाहते हैं, स्वराज्य जो एक बहुत सुंदर शब्द है, स्वराज्य माने अपना राज्य, यही तो है ना स्वराज्य, अपना राज्य है कहां, ये तो अंग्रेजों का राज्य है, अपना कहां है। स्वराज्य नहीं आया, स्वतंत्रता मिल गई, गुलामी से मुक्ति मिल गई, लेकिन स्वराज्य कहां आया, अपना राज्य कहां है, अंग्रेजों का राज्य है ये तो, पार्लियामेंट उनकी, नियम उनके, कानून उनके, सिस्टम उनका, दंड देने के विधान सारे के सारे उनके, सीआरपीसी उनका, आईपीसी उनका, सीपीसी उनका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब कानून उनके बनाए हुए, आपका तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो स्वराज्य कहां। तो 54 साल आजादी के बाद हो सकता है हमने स्वतंत्रता ली है, इंडिपेंडेंस आई है, लेकिन स्वराज्य नहीं आया अभी भी, स्वराज्य हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सावरकर जैसे जैसे तमाम लोगों ने स्वतंत्रता लाने की लड़ाई लड़ी, हम सबको स्वराज्य लाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे ही स्वराज्य नहीं आएगा। या तो आप तय कर लीजिए कि हम स्वराज्य लाने के लिए लड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही अपमान से मरते रहिए इस देश में, दो कौड़ी की आपकी कोई पूछ नहीं, आपसे ज्यादा थर्ड क्लास आदमी आपको सबक सिखा सकता है इस देश में, न कहीं न्याय है न कहीं व्यवस्था है। और कानून कितने बेहूदे इस देश में जिनकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून इस देश में चलते हैं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसको काउ स्लॉटरिंग एक्ट कहते हैं, गाय का कत्ल करने का कानून। वो कानून क्या है, उस कानून में ये है कि कोई भी गाय अगर बूढ़ी हो जाए तो उसका कत्ल कर देना चाहिए, कानून है ये हमारे देश में, और ये बना था 1760 में। अंग्रेजों का ये कहना था कि बूढ़ी गाय को नहीं रखना चाहिए, बूढ़े बैल को भी नहीं रखना चाहिए, बूढ़ी भैंस को भी नहीं रखना चाहिए, माने जो भी बूढ़ा हुआ उसका कत्ल कर देना चाहिए, उन्होंने बना लिया कानून। अब उनके यहां बूढ़े होने का कॉन्सेप्ट दूसरा, हमारे यहां दूसरा, अंग्रेजों के लिए गाय बूढ़ी हो सकती है, हमारे लिए थोड़ी हो सकती है, क्योंकि हम गाय को गाय नहीं मानते, हमारी मान्यता में गाय तो कुछ दूसरी चीज है। हमारी मान्यता में गाय क्या है वो मैं आपको एक छोटी घटना से बताता हूं। मैं थोड़े दिन पहले राजस्थान गया था,
राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है पथमेड़ा। पथमेड़ा नाम का एक गांव है सांचौर जिले में। उस गांव में एक गोरक्षा सम्मेलन था, 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे, गांव गांव से आए थे। उनके सामने मुझे भाषण देना था, तो मैं गया। तो मैं जैसे ही वहां भाषण देने के लिए मंच पर चढ़ा, तो और जो मुख्य अतिथि थे वो भी मेरे साथ मंच पे आके बैठे। तो एक बहुत बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र शायद 65 वर्ष की थी, लंबा सा घूंघट निकाले हुए, आप जानते हैं राजस्थान में तो घूंघट निकालने की परंपरा, घूंघट निकाले हुए मेरे थोड़ा पीछे आकर बैठ गई। तो मैंने उसको कहा कि आपने ये घूंघट क्यों निकाला हुआ? तो उसने कहा कि ये तो मैं नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरे सामने तो बहुत लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा फिर आप मंच पे क्यों बैठी हैं? आप नीचे ही बैठ जाइए। उसने कहा नहीं, जो आयोजक हैं उन्होंने कहा है कि आप भी भाषण दीजिए। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, आप भाषण देंगी? कि हाँ मैं भाषण दूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या भाषण दूं, ये उसने मुझसे पूछा। तो उसने कहा मैंने सुना है आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कई लोग कहते हैं, तो आप मुझे जरा बता दीजिए क्या भाषण दूं, तो मैं वही भाषण दूंगी यहां। तो मैंने कहा मुझे कुछ समझता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो सब स्वागत विधि शुरू हो गई, और बहुत लंबी थी स्वागत विधि। इतनी देर में उसने कहा कि मैं आजकल बहुत दुखी हूं। धीरे धीरे उसकी झिझक खुली मेरे साथ, वो मेरे मां के उम्र की, लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि वो मुझसे फ्री होके बात नहीं कर सकती, क्योंकि घूंघट निकाल के बैठना पड़ता है उसको। तो मैंने कहा आप मेरी मां के बराबर हैं, मेरी मां आपके उम्र की है, आप ये मेरे साथ पर्दा क्यों कर रही? तो धीरे धीरे उसकी झिझक खुली। झिझक खुलते ही उसने मुझे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं आज। मैंने कहा क्या हो गया? कि मेरी गाय बीमार है। तो मैंने कहा आप क्यों दुखी है, गाय बीमार है? तो उसने कहा बहुत दुखी हूं मैं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा पहले भी मेरी एक गाय बीमार हुई थी, वो मर गई थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मैंने 10 दिन खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा जब आपकी पहली गाय मरी थी बीमार होकर, आपने 10 दिन खाना नहीं खाया, तो जरा ये बताइए कि आपने क्या किया था? तब उसने एक छोटी कहानी सुनाई। उसने ये कहा कि जब मेरी पहली गाय बीमार हुई तो डॉक्टर ने आके देखा और कहा कि ये मर जाएगी, तो मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने सोचा कि अब ये मर रही है तो इसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय, ये उस महिला ने मुझे कहा। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों सोचा कि इसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय? तो उसने कहा कि मेरे ससुर की मौत हुई थी, तब भी मैंने यही सोचा था कि ससुर की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय। आप देखो उस बिना पढ़ी लिखी महिला ने क्या बात कही, कि उसका ससुर मरा था और उसकी गाय मरी थी, दोनों उसके लिए बराबर है, दोनों बराबर है उसके। माने ससुर बड़ा नहीं है, गाय छोटी नहीं है उसकी। तब मैंने उसको पूछा कि ससुर मरा तो आपने क्या किया? तो उसने कहा मैंने भगवत गीता का पाठ सुनाया था मेरे ससुर जी को। तो मैंने कहा जब गाय मरी थी तब आपने क्या किया था? कि गाय को भी भगवत गीता का पाठ सुनाया था मैं। तो मैंने कहा गाय समझती है क्या भगवत गीता? तो उसने कहा ये मैं नहीं जानती, वो समझती है कि नहीं, लेकिन मैंने मेरा धर्म निभाया था। फिर मैंने पूछा जब आपने भगवत गीता का पाठ सुना दिया आपकी गाय को, फिर क्या हुआ? कि उसके प्राण नहीं निकले, वो तड़प रही थी। फिर मैंने पूछा क्या किया आपने? तब उसने कहा कि मैंने रामचरितमानस का सुंदर कांड सुनाया और वो सुंदर कांड पूरा होते ही उसके प्राण निकल गए। तो मैंने कहा कि आपके लिए इसका अर्थ क्या? तो उसने कहा कि मैं जितना मेरे ससुर को मानती थी उतना ही उस गाय को मानती थी। माने हमारी मान्यता में गाय ससुर से कम नहीं है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि ये भावना हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं में होगी, 101% होगी। ये अलग बात है कि हम उनसे वो कबूल करवा पाए या नहीं करवा पाए, लेकिन ये करोड़ों महिलाओं में, करोड़ों पुरुषों में ये मान्यता होगी। अब जिस देश की करोड़ों माताओं में, करोड़ों पुरुषों में ये मान्यता है कि गाय परिवार के प्राणी के समान है, जैसे मेरे परिवार में मेरे ससुर मेरी सास वैसे मेरी गाय, इतनी ऊंची मान्यता जिस देश में गाय की हो, उस देश में कानून ये है कि गाय बूढ़ी हो जाए तो कत्ल कर देना चाहिए। तो सास ससुर भी बूढ़े होते हैं, उनका भी कत्ल कर देना चाहिए। मां बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, उनका भी कत्ल कर देना चाहिए।
तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी मान्यता गाय के बारे में कुछ और है। हम गाय को सिर्फ पशु नहीं मानते, उसको परिवार का प्राणी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं। और इसलिए हर एक गांव के परिवार में आप जाइए, वो कितना ही गरीब होगा लेकिन गाय के लिए रोटी जरूर देगा। हमारे देश के करोड़ों परिवारों में गौ ग्रास निकालने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जो आज भी चल रही है, वो कहीं टूटी नहीं है, परंपरा जीवित है। तो ऐसी परंपरा वाले देश में अगर कानून ऐसा बन जाए कि गाय का कत्ल इसलिए करना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है, तो आप ये देखो कि हमारी मान्यता किस प्लेन की है और ये कानून कितने घटिया प्लेन पर बनाया हुआ। अब हम मूर्ख लोग अंग्रेजों के बनाए हुए इस कानून को आज तक नहीं बदल पाए इस देश में। आज भी इस देश में वही कानून है जो 1760 में था कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है। आज भी वही कानून है कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई। और अब उस कानून में एक इजाफा हो गया है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वैसे गोरक्षा का कानून है, लेकिन हर एक गोरक्षा कानून में एक प्रोविजन है कि गाय अगर बूढ़ी है तो कत्ल करने का अधिकार है उसका। और दूसरा उसमें एडिशन और हुआ है अंग्रेजों के जाने के बाद, वो एडिशन ये है कि गाय अगर विकलांग है तो भी उसका कत्ल किया जा सकता है। तो मेरी आई विकलांग हो जाए तो आई का भी कत्ल हो सकता। हमारी मान्यता कितनी ऊंची कि हम गाय को प्राणी नहीं मानते, हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं, उसके लिए वही करते हैं जो परिवार के सदस्य के लिए किया जाता है। और अंग्रेजों की मान्यता ये कि ये एक पशु है इसलिए इसको काट दो, उनके लिए गाय पशु है, हमारे लिए गाय पशु से कहीं ऊंचा है। तो हमें क्या करना चाहिए था, अंग्रेजों के जाने के बाद इस कानून को जला देना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था, अपने हिसाब से नया कानून बनाना चाहिए था, वो आज तक नहीं कर पाए हम। तो आजादी आई कहां है अभी, कहां स्वराज्य आएगा अभी इस देश। कानून वही है जो अंग्रेज बनाकर गए थे, व्यवस्था वही है जो अंग्रेज बना। तब ये गंभीर प्रश्न आता है हम सबके सामने, और मेरे सामने तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। कोई मुझसे पूछता है कि राजू भाई क्या करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि सबसे पहला काम अगर एक हम कर सके वो ये 34,000 कानून जो अंग्रेज बना कर गए थे उनको जला के फेंक देना चाहिए, एक बार तो इनको जला के फेंक ही देना चाहिए। फिर तय कर लेंगे कि आज की जरूरत के हिसाब से नया कानून क्या होना चाहिए। हो सकता है कि हम नया कानून जब बनाएं तो उसमें ये कहें कि गाय हमारी मां के समान है इसलिए उसका कभी भी कत्ल नहीं हो सकता, वो बूढ़ी हो या विकलांग हो। हम नया कानून बना सकते, या हम कुछ और कानून बनाएंगे। तो हमारे कानून किस तरह से होंगे, हमारे कानून ऐसे होंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी देश के कानून या नियम कैसे होने चाहिए, तो उसका एक ही सिद्धांत है, आपकी जो मान्यता है उसके हिसाब से कानून होना चाहिए, ना कि कानून के हिसाब से मान्यता बननी चाहिए। यह गंभीर बात मैं आपसे शेयर करने आया कि अपने देश की जो मान्यता है उसके हिसाब से कानून बनेंगे तो देश में स्वराज्य आएगा, ना कि हम कानून के हिसाब से अपनी मान्यताएं बनाएं। अब अपनी मान्यता क्या है उसको भी समझ लेना चाहिए, और वो कहकर व्याख्यान खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मान्यता हमारी क्या है, भारत में जो हम रहते हैं हमारी मान्यता क्या है। भारत को मैं यूरोप के साथ तुलना करके आपको रखूंगा सामने, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी मान्यता क्या है। हम भारत में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग, अफ्रीका में रहने वाले लोग, इस्लामी देश में रहने वाले लोग, दिखने में सब एक ही जैसे हैं। सबकी दो आंखें हैं, सबके दो हाथ हैं, सबके दो कान हैं, सबके दो पैर हैं, सबको मुंह है, सब खाना खाते हैं, सबको श्वास चाहिए, सब सिस्टम वैसा ही, सब एक जैसे हैं। लेकिन फर्क कहां है, फर्क मान्यताओं का है। बॉडी में फर्क नहीं है, कलर में भी फर्क नहीं है। हम जिस कलर के हैं, अफ्रीकी लोग भी उसी कलर के हैं, लैटिन अमेरिका के लोग भी उसी कलर के हैं, और यूरोप वाले जिस कलर के हैं उसी कलर के हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग देखने में एक सरीखे, हम जो रहते हैं मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, हमारे जैसे ये अफ्रीका के लोग, लैटिन अमेरिका के, तो दिखने में हम सब एक ही जैसे हैं। तो फिर फर्क कहां पर है, हम जब ये कहते हैं कि हम सब एक ही हैं तो हम मान लेते हैं कि सारी दुनिया एक है। सारी दुनिया एक नहीं है, सारी दुनिया में रहने वाले लोगों का फिजिकल अपीयरेंस एक है,
करेक्शन करना चाहिए हमें। जब हम ये बोलते हैं ना कि सारी दुनिया तो एक है, सारी दुनिया एक नहीं है, सारी दुनिया में रहने वाले लोगों का शारीरिक दिखाव एक है लेकिन मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या मान्यताएं हैं? हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए सोमवार का दिन बहुत पवित्र है क्योंकि शंकर जी महाराज का, मंगलवार बहुत पवित्र है क्योंकि बजरंग बली का है, बुधवार बहुत पवित्र है क्योंकि बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब ये जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं उनके लिए रविवार बहुत पवित्र है क्योंकि चर्च से जुड़ा हुआ है। आप इनको सिखाते सिखाते मर जाओ कि सोमवार को पूजा करो, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारा तो रविवार है भाई। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का उसके साथ कोई संबंध है। अब आपको मैं एक विचित्र बात बताता हूं। वो विचित्र बात यह कि ये ईसाइयत धर्म जिस गांव में से निकला उसका नाम है यरूशलम। ईसाइयत जिस गांव में से निकला उसी गांव में से एक धर्म निकला उसका नाम है इस्लाम, और उसी गांव में से एक धर्म निकला उसका नाम है यहूदी। दुनिया के तीनों बड़े धर्म एक ही गांव से पैदा हुए जिस गांव का नाम है यरूशलम। अब आप जरा देखिए विचित्रता क्या है कि ईसाइयत को मानने वाले रविवार को पूजा करते हैं, इस्लाम को मानने वाले शुक्रवार को पूजा करते हैं और यहूदी धर्म को मानने वाले शनिवार को पूजा करते हैं। है विचित्र के नहीं? एक ही गांव में से निकले तीनों धर्म एक ही दिन तय कर लेते भाई रविवार हम तीनों के लिए एक जैसा, एक ही गांव के, एक गांव के तो एक तरीके होने चाहिए ना, वो है एक ही गांव के लेकिन तरीके तीनों के अलग। आप इसराइल में जाओ, मैंने इसराइल देखा, इसराइल में क्या है शनिवार के दिन कोई भी काम नहीं होता पूरे देश में, गाड़ी भी नहीं चलती, बस भी नहीं चलती, ट्रेन भी नहीं चलती, टैक्सी भी नहीं चलती। अगर शनिवार को आप गलती से इसराइल पहुंच गए हैं तो दिन भर एयरपोर्ट पर बैठे इंतजार करिए, कोई टैक्सी वाला नहीं ले जाएगा आपको, दुनिया इधर से उधर हो जाता है क्योंकि शनिवार उनकी पूजा का दिन है और पूजा के दिन वो पूजा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये उनका नियम है। इसराइल के लोग तो शनिवार को कई बार पूजा के लिए बहुत सारे जरूरी काम छोड़ सकते, अगर युद्ध चल रहा हो तो हो सकता है युद्ध भी छोड़ दें शनिवार को, पूजा करेंगे शनिवार को। ईसाइयत में जाइए, जो कैथोलिक्स हैं वो रविवार का दिन नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए दुनिया में, इधर से उधर चली जाए पूरी दुनिया। और कैथोलिक्स लोगों की तो मान्यताएं बड़ी विचित्र हैं। एक बार मैंने लंदन में एक बहुत कट्टर कैथोलिक को पूछा था कि भाई आप रविवार को कपड़े भी नहीं धोते, तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो नियम है रविवार को सिर्फ पूजा करनी और कुछ नहीं करना, तो कपड़े भी नहीं धोएंगे हम, कपड़े नहीं धोते वो रविवार, कपड़े नहीं सुखाएंगे वो रविवार, उनकी मान्यता है वैसी। अच्छा, मैंने जब उनसे तर्क करना शुरू किया कि भाई ये रविवार सोमवार का क्या चक्कर, हम तो मानते हैं कि सब दिन एक शरीक है, तो वो कहते हैं नहीं आप मानते हैं हम नहीं मानते। और फिर उसने अंत में क्या कह दिया कि माफ करिए मिस्टर दीक्षित, मैं आपके साथ इस मुद्दे पर कोई बहस करना नहीं चाहता क्योंकि ये मामला मेरी मान्यता से जुड़ा हुआ है, मैं मान्यताओं पर बहस नहीं कर सकता। और वो करते नहीं, कभी बहस नहीं करते। आपने कभी ऐसी बहस सुनी है इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में कि शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए कि रविवार को? वो कभी नहीं बहस करते। कारण यह है कोई समाज कोई भी सभ्यता अपनी मान्यताओं पर कभी तर्क नहीं करती, वितर्क नहीं करती, कुतर्क नहीं करती। मान्यताएं मानने के लिए है, उन पर बहस नहीं होती कभी। अब ये तीन जाति के लोग या तीन धर्म को मानने वाले, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म, एक ही गांव से निकले लेकिन मान्यताएं तीनों की अलग अलग। हमारे देश में हम जहां रहते हैं हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सबसे ज्यादा बहस मान्यताओं पर ही होती है। इतने मूर्ख लोग इस देश में हैं जो मान्यताओं पर ही बहस करेंगे, दिन भर बहस करेंगे, पागलों की तरह से बहस करेंगे। और उन मूर्खों को पता नहीं है कि दुनिया में जो लोग मान्यताओं पर बहस करते बैठते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, मान्यताओं पर बहस नहीं हुआ करते। बाकी दुनिया में किसी भी चीज पर बहस करिए, सिस्टम पर बहस करिए, सिस्टम खराब है गलत है, हमारे यहां मुश्किल क्या है, सिस्टम पर बहस नहीं करते, मान्यताओं पर बहस करते रहते। अब जैसे आजकल बहस चल रही है, क्या बहस चल रही है भाई, हिंदुस्तान में कुछ करोड़ लोग हैं जो ज्योतिष को बहुत ऊंचा मानते हैं, तो मानने दो उनको, हम बहस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगजमारी उसमें लगी हुई।
एक मुख्यमंत्री एक बयान देगा, दूसरा देगा, तीसरा रोज यही चल रहा है ना अखबार में, क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, मैं देख रहा हूं। इससे ज्यादा मूर्खता और किस काम की। अगर हिंदुस्तान में 2-4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को बहुत ऊंचा मानने हैं तो मानने दो, तुमको क्या लेना देना, उस पर बहस क्यों कर रहे। तुमको लगता है कि ज्योतिष बहुत घटिया चीज है, तुम मान लो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आऊंगा कि ज्योतिष ऊंचा है कि नीचा है। तुम दूसरों की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार तुमको किसने दे दिया। आज मैंने अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ा, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष महा पंडित है। ठीक है भाई, तुम्हारी मान्यता है, लेकिन तुमको ये अधिकार मैंने नहीं दे दिया कि तुम अखबार में स्टेटमेंट दो उसको। और यही बुद्धदेव भट्टाचार्य को मैं जानता हूं, जब चुनाव लड़ रहा था तो 3 पंडितों के पास गया था ये देखने के लिए कि किस दिन पर्चा फाइल करूं। मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, यही बुद्धदेव भट्टाचार्य इतना पाखंडी आदमी है कि इसने 3 पंडितों से पूछा था कि मैं आज पर्चा दाखिल करूं या कल, ग्रह नक्षत्र जरा देख से बता दो और टाइम बता दो मुझे। उसी टाइम पर इसने पर्चा फाइल किया था। फिर किसी ने एक बार हवा उड़ा दी कि ये हार सकते हैं और ममता बनर्जी का कैंडिडेट जीत सकता है, तो रोज मंदिर में जाकर मत्था टेक के आता था, और जैसे ही चुनाव जीत गया तो अब गाली देना शुरू कर दिया उस मंदिर को कि इसमें कोई भगवान है, ये तो पत्थर है, तो पहले क्यों गया था जब चुनाव लड़ रहा था। मैं कहना यह चाहता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की मान्यता वही है जो साधारण हिंदुस्तानी की है, लेकिन वो पाखंड करके ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे अलग मान्यता का हूं। है वो उसी मान्यता का, क्यों ये पाखंड करना चाहता है कि उनकी पार्टी की मान्यता अलग है। अरे तुम्हारी पार्टी तुम्हारे घर में रख दो भाई, तुम्हारी पार्टी आज जमा जमा 4 दिन की या 5 दिन की, हिंदुस्तान हजारों साल का। तुम्हारी सीपीएम पार्टी की मान्यता नहीं होगी, नहीं होगी, हिंदुस्तान हजारों साल से ये मान्यता मानता है। तुमको इसको धक्का देने का तो कोई अधिकार नहीं, और अगर यही धक्का देना तो रूस में जाके बस जाओ, हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दो। जो यहां के करोड़ों लोग मानते हैं, अगर तुम वो मान्यता धारण नहीं कर सकते तो देश छोड़ो, जाके परदेश में बसो, जो मानते नहीं इसको। इसका कोई मतलब थोड़ी है ना, आप करोड़ों लोगों की मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते। अब कोई आदमी कहता है, मान लो अमरावती में कोई मंदिर है, वो कहते हैं कि ये जीवंत गणपति हैं। अब ठीक है भाई, उनकी मान्यता। अब आप उस पर तर्क करोगे कि गणपति जीवंत है नहीं है। एक बार हुआ नागपुर में कोई साईं मंदिर है, अब लोग कहते हैं कि राजीव भाई ये बहुत जीवंत प्रतिमा। मैंने कहा जरूर होगी भाई जीवंत। अब हमारे 2 कार्यकर्ता बहस करने लगे, भाई प्रतिमा भी कोई जीवंत होगी। मैंने कहा होगी भाई, तुम कहां पर बहस कर रहे हो, तुम्हारे बहस करने का विषय थोड़ी। ये मानते हैं यहां के लोग कि ये हमारा मंदिर जीवंत है, इसमें देवता जीवंत हैं, हम जाकर जो प्रार्थना करते हैं पूरी हो जाती है। तो ठीक है, उनकी मान्यता है, उसका आदर करो, उनका सम्मान करो, वही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी कहते किसको, मेरी एक मान्यता है, आपकी दूसरी मान्यता, मैं आपकी मान्यता का सम्मान कर रहा हूं, आप मेरी मान्यता का सम्मान कर रहे हैं, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। और वही हमारे देश में नहीं आ पाई पिछले 54 साल। हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी मान्यता को ऊंचा बता रहा है और दूसरे की मान्यता की खिल्ली उड़ा रहा है, वो डेमोक्रेसी थोड़ी होती है दुनिया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि दुनिया में कभी भी मान्यताओं पर अगर हम बहस करेंगे तो ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ना भारत 1 इंच आगे जाएगा ना आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बहस किस पर होनी चाहिए, बहस मान्यताओं पर नहीं होनी चाहिए, तंत्र पर होनी चाहिए, सिस्टम पर होनी चाहिए। और बहस इस पर होनी चाहिए कि हमारा सिस्टम हमारी मान्यताओं के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहा तो बदलो उसको, अपने जैसा बनाओ। तो भारत में आज यही बात कहने की जरूरत है पूरी ताकत और हिम्मत से कि भाई हमारी मान्यताएं क्या हैं, हम उनको पहचानें और उसके हिसाब से अपना सिस्टम बनाएं। तो हमारी मान्यता क्या है, यूरोप में 3 प्रजातियां रहती हैं, इस्लाम वाले, यहूदी और ये क्रिश्चियन। तीनों की मान्यता क्या है, तीनों की एक मान्यता है जो अलग है और कुछ मान्यता कॉमन भी है उन तीनों में। अलग क्या है, मैंने आपसे कहा कि एक शनिवार को मानेगा, एक शुक्रवार को मानेगा, एक रविवार को मानेगा। एक जो है एक तरफ मुंह करके पूजा करेगा, दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके पूजा करेगा, तीसरा तीसरी तरफ मुंह करके पूजा करेगा। एक कहेगा कि आग ही हमारे लिए देवता है, दूसरा कहेगा नहीं ये जो दीवार है वो हमारे लिए देवता है, तीसरा कहेगा नहीं यीशु की मूर्ति हमारे लिए देवता है। ये सब फरक फरक मान्यताएं, एक कुछ खास तरह के कपड़े पहनेगा, दूसरा कुछ खास तरह के कपड़े पहनेगा। रविवार के दिन सभी क्रिश्चियन आपको सफेद कपड़े में मिलेंगे, शुक्रवार के दिन ईसा मुस्लिम लोग आपको हरा
स्कार्फ बांधे हुए मिलेंगे, हरा कपड़ा पहने हुए मिलेंगे, क्योंकि वो हरे रंग को पवित्र मानते हैं, वो सफेद रंग को पवित्र मानते हैं। तो ये भाई मान्यता है, वो चलाते हैं अपने पूरे सिस्टम को। और मान्यताओं को भिन्न भिन्न रखते हुए किसी सिस्टम को बैलेंस कर लेना, मैं मानता हूं कि रियल डेमोक्रेसी वही होती है। उन्होंने बनाया अपना सिस्टम, लेकिन उन तीनों धर्मों में एक मान्यता कॉमन है जिसको मैं आपके साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूं। वो क्या कॉमन है? तीनों धर्म कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। ईसाइयत में कहा गया पुनर्जन्म नहीं होता, इस्लाम में भी कहा गया पुनर्जन्म नहीं होता, और यहूदी धर्म भी कहता पुनर्जन्म नहीं होता। ईसाइयत की मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता, अगर होता है तो सिर्फ ईशु का हो सकता है और किसी का नहीं होता। इस्लाम में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता, अगर हो सकता है तो मोहम्मद साहब का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। और ऐसे यहूदी लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, होता है तो उनकी एक अग्नि की देवी हुआ करती थी, जिसको वो मानते हैं वहां पुनर्जन्म होता, अभी तो नहीं होता। तो ठीक है, वो मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। अब हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, होता है तो सही होता है कि गलत होता, उनकी मान्यता है, वो माने उसको। अपने देश में क्या मान्यता है जो हमको उनसे अलग करती है? वो मान्यता ये है, भारत में रहने वाला हर भारतीय, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, वो एक मान्यता से बंधा हुआ है कि जन्म बार बार होता है। और तकरीबन हिंदुस्तान में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सनातनी हो, वो सब इस बात पर सहमत हैं कि जन्म बार बार होता है और कम से कम 84 लाख बार होता है, कम से कम। अभी शाम को एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, शायद वो यहां बैठे होंगे, मैं नहीं जानता, गोरक्षा का काम करते हैं, इसी अमरावती के रहने वाले। वो क्या कह रहे थे, उनकी उम्र 85 साल की है। मेरे मित्र किशोर देशमुख यहां बैठे, उनके घर पे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि राजीव भाई, इस जन्म में गोरक्षा का काम अगर नहीं कर पाया तो 84 लाख योनियां तो गई, अगली बार फिर मौका मिले तो मिले। ये उनका कहना था। और ये जो उनका कहना है वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का कहना है कि भाई इस जन्म में कुछ नहीं कर पाए तो 84 लाख जन्म तो गए बेकार, फिर दोबारा मानव का जन्म मिलेगा तब करना किसी काम को। तो ये अपनी मान्यता है कि जन्म बार बार मिलता है, और एक बार नहीं 84 लाख बार मिलता है। और हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हम मनुष्य हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे जन्म में भी मनुष्य बने, हो सकता है चींटी हो गए, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, केंचुए हो गए, या सांप हो गए, मेंढक हो गए, गाय हो गए, बैल हो गए, बकरी हो गए, घोड़े हो, कुछ भी हो सकते हैं। फिर इस सिद्धांत को समझने के लिए हमने क्या तय कर लिया, हमने एक मान्यता ये बना ली है कि कर्म फल के अनुसार जन्म मिलता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो हो सकता अच्छा जन्म मिल जाए, कर्म खराब है तो जन्म खराब मिल जाए। तो कर्म को हमने मुख्य प्रधानता दी, उसके हिसाब से जन्म की बात आई। अब आप देखो कि हम पुनर्जन्म में मानने वाले लोग जो ये कहते हैं कि 84 लाख बार जन्म होता है, अब इस मान्यता की वैज्ञानिकता को जब हम टेस्ट करने के लिए निकलते हैं, तो एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि टेस्ट करो ये वैज्ञानिक है या नहीं। तो मेरी कई लोगों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि राजीव भाई 84 लाख किस्म के दुनिया में जीव जंतु हैं, तो उनमें से किसी में भी जन्म मिल सकता है। तो समझ में आ गया कि ये तो वैज्ञानिक बात है। अब जब हम ये मानते हैं कि जन्म हमें 84 लाख बार मिल सकता है, किसी भी योनि में मिल सकता है, तो आप जरा कल्पना करो कि मैं आज मनुष्य हूं, मैंने किसी चींटी को मार दिया, कल को मुझे चींटी का जन्म मिला और मुझको किसी ने मार दिया, मैंने अगर चींटी को मारा तो मैं चींटी बना, मुझको भी कोई मार देगा। मैंने मक्खी को मारा, मैं मक्खी बना, मुझको कोई मारेगा। मैं सांप बना, आज मैंने सांप को मारा, मैं सांप बना, मुझको किसी ने मारा। इसका अर्थ यह है कि जीवन नहीं चलेगा, सब एक दूसरे को मारते बैठेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। तो जीवन चलना बहुत जरूरी है। तो हमने एक मान्यता और बनाई कि भाई कोई किसी को नहीं मारेगा। अब जब कोई किसी को नहीं मारेगा, यहीं से अहिंसा का सिद्धांत निकल आया। जब कोई किसी को मारेगा ही नहीं तो अहिंसा उसमें से निकल आएगी। अब यूरोप वालों को देखो, वो मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म होता, वो कहते हैं जीवन एक बार ही मिलता है, जब एक बार मिलता है तो इस जीवन में जो करना है कर लो। तो वो चींटी को भी मार सकते हैं, मक्खी को भी मार सकते हैं, गाय को भी मार सकते हैं, और उनको इसमें कोई अफसोस नहीं है।
हम चींटी को मार भी नहीं सकते, वो चींटी की चटनी बना के खा सकते। हम गाय के ऊपर डंडा नहीं चला सकते, वो गाय का मांस काट के खा सकते। हम कुत्ते को रोटी देते हैं, वो कुत्ते का भी मांस खा सकते हैं। हम सांप को दूध पिलाते हैं, वो सांप को भी मार के खा जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता में वैसा कुछ है ही नहीं। अब वो सच है गलत है, सही गलत है, ये बहस नहीं करना चाहता। उनकी मान्यता है ही नहीं कि जीव जंतुओं में भी हमें प्रवेश करना पड़ सकता। वो कहते भाई मनुष्य जन्म मिला, यही आखिरी है, जो करना है इसी में करो। तो वो किसी भी जीव को मार सकते हैं, पीट सकते हैं। तो उनके जीवन में से हिंसा का सिद्धांत निकल आया। तो यूरोप और इस्लाम और यहूदी धर्म वाले हिंसा की तरफ बढ़ गए, हम अहिंसा की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारी मान्यता फर्क है, उनकी मान्यता फर्क है। अब जब हम अहिंसा प्रधान दुनिया में रहते हैं, हमारी मान्यता अहिंसा वाली है, तो कानून कैसे होने चाहिए? कानून कैसे होने चाहिए जो अहिंसा प्रधान देश में हो सकते? तो आप पूछेंगे क्या हमारे कानून अहिंसा प्रधान नहीं है? मैं आपको बताता हूं, कानून अहिंसा प्रधान बिल्कुल नहीं है, हिंसा प्रधान है। कैसे कानून है? गाय बूढ़ी हो जाए तो काट दो उसको, ये हिंसा प्रधान कानून है। बैल बूढ़ा हो गया, काट दो उसको, ये हिंसा प्रधान कानून है। अगर कोई बच्चा जन्म के पहले गर्भ में है और उसको मार डाले, तो वो सिर्फ गर्भपात है, किसी की हत्या नहीं। जन्म लेने के बाद अगर हम उसको मारें तो वो हत्या है, लेकिन जन्म लेने के पहले मार दें तो वो सिर्फ गर्भपात है, उसका हत्या से कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि हत्याएं तो हमारी मान्यता में दोनों ही है। किसी को आपने जीवन लेने से पहले मार दिया तो भी आपने हत्या की है, जीवन लेने के बाद मारा तो भी आपने हत्या की है। हमारी मान्यता में तो दोनों हत्याएं हैं, यूरोप की मान्यता में वो हत्या है ही नहीं। तो उन्होंने कानून बनाया, हम मूर्खों ने उनको फॉलो किया और अपने देश में कानून बना लिया कि गर्भपात कराना कोई हत्या नहीं है। तो सेंटर्स खुल गए पूरे देश में अबॉर्शन के, अमरावती में भी है, पूरे देश में हजारों हजारों की संख्या में है, और उनका एडवर्टीजमेंट होने लगा, क्या आइए 50 रुपए में छुटकारा पाइए। यही तो है ना, गांव गांव शहर शहर आप देख लो, इतनी बेशर्मी से विज्ञापन होता है। मुंबई की ट्रेन में जब आप चढ़ोगे तो ढेर सारे एडवर्टीजमेंट के स्टिकर लगे रहते हैं, फलाना क्लिनिक, धमाका क्लिनिक, एक्स क्लिनिक, वाई क्लिनिक, हरेक में लिखा है आइए 150 रुपए में छुटकारा पाइए। कोई 50 रुपए में छुटकारा दे रहा, कोई 100 रुपए में छुटकारा दे रहा। ये कानून ही हमारी मान्यता के खिलाफ है, लेकिन वो पूरे देश में चल रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी मान्यताएं फर्क है, कानून उसके बिल्कुल उलट है। तो होना यह चाहिए कि कानून हमारी मान्यता के अनुसार बनने चाहिए, ना कि हमारी मान्यताओं को कानून के अनुसार ढाला जाना चाहिए। समाज पहले होता है, कानून बाद में होता है, और समाज बनता है मान्यताओं के आधार पर। तो मान्यता पहले है, कानून बहुत बाद में है। हमने क्या किया है, कानून को पहले ले आए, समाज को पीछे धकेल दिया, मान्यता को और पीछे धकेल दिया। तो जब हम चींटी को मार नहीं सकते, मच्छर को मार नहीं सकते, मक्खी को मार नहीं सकते, तो अहिंसा में जाएंगे और किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे। गुलाम तो तभी बनाएंगे जब आप मार सके, आप मार ही नहीं सकते तो गुलाम कैसे बनाएंगे। तो हमने स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया है, ये हमारी मान्यता में है, और उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार कानून बनाकर दिया है, क्योंकि उनकी मान्यता में नहीं है। तो यूरोप में जब फ्रीडम की बात की जाती है तो वो कानूनन आधार पर की जाती है, हमारे देश में जब फ्रीडम की बात की जाएगी तो वो स्वभावगत मान्यता के आधार पर की जाएगी। तो फ्रीडम के लिए हम कानून नहीं बना सकते, वो बनाएंगे, हम क्यों उनके पीछे जाएंगे? ये प्रश्न है अपने देश को, और मैं मानता हूं कि ये गंभीर प्रश्न हो, ये सभ्यता के प्रश्न है, और इन प्रश्नों से टकराना ही होगा। बिना इन प्रश्नों से टकराए और जूझे रास्ता नहीं मिलेगा हमको कुछ भी, ना आत्मा को समाधान मिलेगा ना रास्ता। तो भारत को अच्छा बनाने का बेहतर रास्ता अगर हम खोजना चाहते हैं तो भारत की मान्यताओं पर आधारित तंत्र बनना चाहिए, व्यवस्थाएं बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए, लगे तो उसी पर आधारित संविधान बनना चाहिए, तभी शायद हमारे देश में सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी, श्रीमंताई आएगी और हम इन परेशानियों से बाहर निकले, नहीं तो भटकते रहेंगे इसी।
अब तक आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे, ये मानते होंगे कि राजीव भाई तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करते हैं कि लक्स छोड़ दो निर्मा ले लो, कॉलगेट छोड़ दो वीको वज्रदंती ले लो, बाटा का जूता छोड़ के गांव के मोची का ले लो। ये तो छोटी बात है, बात इससे कहीं बहुत आगे की है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हुआ, और आजादी बचाओ आंदोलन उस अभियान का नाम है जो भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर पुनर्जीवित करना चाहता है। इसी के लिए ये अभियान है, और इस अभियान में मैं अकेला सफल नहीं हो सकता, हम सब मिलकर ही सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला अगर सफल होने की कोशिश करूं तो संभव नहीं है। कारण क्या है? भारत की मान्यता के विरुद्ध है वो। अकेला सफल होना मान्यता के विरुद्ध। आप जानते हैं अपनी मान्यता क्या है? अपनी मान्यता यह है कोई व्यक्ति इस देश में योगी होता है, जैसे भगवान कृष्ण या श्री राम या गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी या ऐसे और महान लोग जिनको हम योगी मानते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं, जिनका सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में होता है, कुछ भी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होता। तो मैंने एक बार ये समझने की कोशिश की कि भारत में योगी की परिभाषा क्या, किसको हम योगी कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं तो क्या सब योगी हो सकते हैं? भगवान कृष्ण जैसे जितने भी हैं तो नहीं है। महावीर स्वामी को कहते हैं तो क्या सब हो सकते हैं? तो नहीं है। तब मैंने एक बार सांख्य दर्शन पढ़ा। भारत को अगर समझना है तो भारत के शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी। मैंने सांख्य दर्शन पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा। तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र है कि योगी कौन, तो उसमें लिखा हुआ है कि योगी वो होता है जो पहले अपना विकास करता है और फिर अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास करता है, तब वो योगी होता है। अकेला अगर उसने विकास किया तो योगी नहीं है। तो हमारी मान्यता में योगी कौन है? जिसका खुद का विकास हुआ और जिसने दूसरों का भी अपने जैसा ही विकास किया, तब वो योगी है। और ये कहते हैं कि जो योगी हुआ वो जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। मैं भी मोक्ष चाहता हूं। कोई कहता राजीव भाई आप क्या चाहते हैं? मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि मुझे मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म के बंधन से मुझे भी छुटकारा चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं दूसरों को छुटकारा दिलाने की स्थिति में ना आऊं। ये तब तक संभव ही नहीं, क्योंकि हमारी मान्यता में ही नहीं। इसलिए इस देश में जो भी ऐसा आदमी आएगा वो अपने विकास की कम दूसरे की चिंता ज्यादा करता है कि मैं तो ठीक है विकसित हो जाऊंगा, लेकिन ये जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं इनको भी मेरे साथ मोक्ष ले जाना है। तो महावीर स्वामी तपस्या करते हैं या गौतम बुद्ध तपस्या करते हैं या श्री राम तपस्या करते हैं या कृष्ण तपस्या करते हैं, इसलिए नहीं करते। वो खुद चाहें तो मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा ही नहीं, अकेला जा रहा हूं, सबको साथ लेके जाऊं तब होगा। तो आपको भी मोक्ष चाहिए, मुझे भी मोक्ष चाहिए, तो हम सब एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करें तो मोक्ष मिलेगा। अब सबको साथ लेके आगे बढ़ने की बात तो तभी संभव है जब हम सब एक साथ मिलकर कोई संकल्प करें कि अपनी मान्यताओं के हिसाब से हम तंत्र को चलाएंगे, तभी तो मोक्ष की तरफ से जाएंगे। गाय कटती रही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध तो मोक्ष कहां से मिलेगा? गरीबी बढ़ती रही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध, जिस भारत में चींटी को भी भूखा मारने में पाप है, उस भारत में गरीब आदमी भूखा मर जाए कैसे मोक्ष मिलेगा हमको? एक दिन मैंने मेरे घर में एक बहस की मेरी मां से। मैंने एक बार मेरी मां को प्रश्न किया, मेरे घर में एक झाड़ू सफाई करने के लिए वापरते हैं तो वो सूत की बनी होती है, तो उस झाड़ू का मैंने शेप देखा है तो वो आगे से बहुत खुली हुई होती है, पीछे से एकदम बंद होती है। तो मैंने मेरी मां को एक बार पूछा कि ये झाड़ू आगे से इतनी खुली हुई क्यों है और पीछे से बंद क्यों, पीछे और आगे एक सरी की क्यों नहीं होती? तो मेरी मां ने कहा कि मूर्ख तुझको इतना भी नहीं मालूम, अगर ये पीछे आगे दोनों सरीखी हो गई और इससे हम जब सफाई करेंगे तो चींटी मर जाएगी, चींटी मर जाएगी, और आगे से ये खुली हुई है तो चींटी को बचने के लिए गैप है उसमें तो नहीं मरेगी। तो मैंने कहा कि ये मेरी मां है
या भारतीय मान्यताओं की कोई प्रतिमूर्ति है। अब मैं उसकी हंसी उड़ा सकता हूं यह कहकर कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता तो यह है कि वो भारत का सारा दर्शन समेटे हुए है अपने एक छोटे से काम में, कि झाड़ू भी ऐसी होनी चाहिए जिसको करने में चींटी ना मरे। और चींटी अगर घर में निकल आई तो सबसे पहला काम उसका क्या है कि वो आटा डालने जाती है, कि आटा डालो पहले चींटी को। तो मैंने पूछा क्यों, कि वो निकली ही इसलिए है कि उसको कुछ जरूरत है, नहीं तो वो अपने घर में रहती, जरूरत उसकी आटे की है, पूरी कर दो वो घर में चली जाएगी। और मैंने देखा चींटी एक साथ निकली हो, आप आटा डाल दीजिए, एक घंटे में सब चली जाएगी, कोई नहीं दिखाई देगी वहां। तो ये भारतीय मान्यता का प्रश्न है। तो जब हम मान्यता को इतने माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि हमारी झाड़ू से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, उस हिंदुस्तान में गाय का कतल होता रहे तो मोक्ष मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे मोक्ष मिले, मैं ये भी चाहता हूं कि आपको भी मोक्ष मिले, हम सब जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो आप क्या करें, मैं क्या करूं, अपनी पूरी व्यवस्था को भारतीयता के अनुसार बनाएं। और इसको मैं शुद्ध धार्मिक काम मानता हूं। कोई लोग कहते हैं कि आप धर्म को मानते, मैं कहता हूं हां मानता हूं। तो धर्म क्या है, अपने पूरे तंत्र को भारतीयता के अनुसार बना लेना, इससे बड़ा धर्म क्या होगा दुनिया में। हम पूजा करें, पाठ करें, मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, शास्त्र का वाचन करें, करें न करें, वो तो छोटी बातें हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारी मान्यता के अनुसार है, उसको स्थापित करना, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। तो ये शुद्ध धार्मिक काम है जिसको मैं कर रहा हूं। तो आपको मैं निमंत्रण देने आया हूं कि आप भी इसी धार्मिक काम को करिए, और ये धार्मिक काम हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर पूरा होगा। भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर हमने अगर पुनर्जीवित कर लिया तो आप निश्चित जानिए हम सबको मोक्ष हो जाएगा, और नहीं कर पाए तो बार बार जन्म लेकर आना ही पड़ेगा इस नरक में, वो सब करने के लिए जिसको हम नहीं चाहते। तो इसलिए आज मैं आपसे एक नई बात कह रहा हूं, आजादी बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन है जो भारतों को भारत की मान्यताओं के आधार पर स्थापित करने के लिए चल रहा है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये कोई आर्थिक आंदोलन भी नहीं। राजनीतिक प्रश्न और आर्थिक बिंदु तो थोड़े महत्व के लिए हैं, थोड़ी दूर के लिए हैं, अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है। तो आप पूछेंगे हम इसमें क्या करें, इसके लिए हमने एक योजना बनाई है और उस योजना को मूर्त रूप देना हो। उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुझे लोगों के सहकार की जरूरत है, इसलिए मैं गांव गांव जा रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है गांव गांव जाने की। मैं जानता हूं कि मैं अकेले नहीं कर सकता, और कर भी लिया तो भारतीयता की मान्यता के अनुसार मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता जब तक मैं सबके साथ ना करूं वो काम। भारत में अकेले कोई व्यक्ति एक काम करे उसका महत्व नहीं होता, समूह में किए हुए काम का महत्व है इस देश में, क्योंकि मान्यता हमारी वैसी। हम एकाकी जीवन नहीं बिताते, हमारा जीवन परिवार के साथ होता है और परिवार समाज का हिस्सा है, तो समाज का भला, परिवार का भला होगा तो मेरा होगा, ये हमारी मान्यता। तो इस मान्यता के आधार पर अपने देश का पुनर्निर्माण करें, ऐसी एक अपील मैं करना चाहता हूं। तो आप पूछोगे इसके लिए करना क्या, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि गरीबी दूर होनी चाहिए, भुखमरी दूर होनी चाहिए, मारामारी दूर होनी चाहिए। कुछ लोग गरीबी से मरेंगे, भुखमरी से मरेंगे, तो ना तो उनको मोक्ष मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो गरीबी दूर करना, भुखमरी दूर करना, बदहाली की अपनी हालत है वो दूर करना, 45 कोटि लोगों को रोटी देना, ये अगर किसी एक आधार पर संभव है तो वो आधार है स्वदेशी। तो इसलिए मैंने स्वदेशी की बात कही है गांव गांव कि भाई आप अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना शुरू करो, तो वो स्वदेशी का सिद्धांत आपके जीवन में आएगा। उससे क्या होगा, अपने करोड़ों गरीबों को रोटी मिलेगी, रोजी मिलेगी। मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि खादी पहनना शुरू करो, क्यों, हिंदुस्तान के सब लोग खादी पहनेंगे तो 15 करोड़ लोगों को रोटी खाने के लिए पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 1% खादी पूरे देश में बनती है इस समय, लेकिन वो 1% खादी बनाने में 15 लाख लोगों को काम मिलता है। अगर 100% खादी सब पहनना शुरू करें तो 15 करोड़ लोगों को काम मिलने वाला है पूरे देश में। अब 15 करोड़ लोगों को काम मिलने वाला है तो जिस परिस्थिति में मैं हूं उसी में वो आने वाले हैं, तो हम उन 15 करोड़ के साथ मोक्ष जाने के लिए तैयार हो सकते हैं।
अगर वो भूखे मर रहे हैं और मैं भरे पेट हूं तो हमें मोक्ष की संभावना है। तो गरीबी दूर करनी है, भुखमरी दूर करनी है, बदहाली दूर करनी है तो करोड़ों लोगों को रोटी देनी है। करोड़ों लोगों को रोटी देने के लिए एक ही सिद्धांत है जीवन में, वो स्वदेशी का। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी वापरो ताकि करोड़ों लोगों को रोटी मिले। खादी पहनो, अपने गांव का बनाया हुआ मंजन खरीदो, अपने गांव के जूते चप्पल खरीदो, अपने गांव का साबुन खरीदो, जो कुछ हमारे नजदीक बनता है उसी को हम खरीदें ताकि किसी बेकार आदमी को काम मिले तो उसकी रोजी रोटी चले। रोजी रोटी चले तो हमारी जैसी स्थिति में आ जाए, हमारे जैसा हो जाएगा तो फिर हम मिलकर मोक्ष की तरफ चलेंगे। तो ये एक उसका रास्ता है। ऐसे ही दूसरा रास्ता, भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है तो अंग्रेजियत के जितने कानून हैं 34,000 उनको बदल दो, उनको जला के फेंको, नए कानून बनाओ। ऐसे ये तीसरा रास्ता कि अपने को ये काम करने के लिए जो भी छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे वो सब इसी रास्ते के लिए। तो ये जो स्वदेशी हम कर रहे हैं, गांव गांव के लोगों को स्वदेशी का संकल्प कराना चाहते हैं, वो इसीलिए कि भारत भारतीयता के आधार पर खड़ा हो। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर ऐसा मानते हैं कि हमें सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ना है और तभी हमारे लिए मोक्ष के रास्ते खुलेंगे, तो आप इस काम को जरूर करिए अपने जीवन कि कभी भी ऐसा कुछ मत करिए जिससे अपने देश के लोगों का रोजगार खत्म होता हो, उनकी गरीबी और बेकारी बढ़ती हो। आप अगर एक विदेशी वस्तु खरीदते हैं, लाखों लोगों का रोजगार उससे जाता है। आप अगर खादी नहीं पहनते, मान लीजिए एक बहुत अच्छा कपड़ा आता है जिसको स्विस कॉटन कहते हैं, स्विस कॉटन पहनकर आप हिंदुस्तान का पैसा परदेश भेजते हैं, यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी जाती है और परदेशियों को पैसा मिलता है, तो रोजी रोटी आप दूसरे को देते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं देते। तो इसलिए स्वदेशी के सिद्धांत पर आना, और सिर्फ स्वदेशी के एक सिद्धांत से नहीं चलेगा। ऐसे मैंने कुछ 50 बातें तय किए कि ये 50 काम हो जाएं, परदेशी कंपनियों को हम भगा दें, गरीबी भुखमरी पे कुछ रोक लगेगी, अंग्रेजियत के कानून हटा दें, गरीबी भुखमरी और कम होगी, अंग्रेजियत की व्यवस्था हटा दें और ज्यादा उसमें कमी आएगी। तो एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे 50 कदम मैंने तय किए, उसमें से कुछ मैंने आपको कहे, सब नहीं कह सकता क्योंकि समय इतना नहीं है और आपके पास भी नहीं। तो 50 काम जो मैं करना चाहता हूं वो क्या काम है, उसके लिए छोटी पुस्तक मैंने बनाई है, आप चाहें तो नीचे जाएं तो लेते जाइए। उस पुस्तक का नाम है सच्चे स्वराज्य की रूपरेखा, हिंदी भाषा में है, सरल शब्दों में मैंने यही लिखने की कोशिश की है कि भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। तो वो आप ले जाएं और उसको रोज थोड़ा पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा, और वो अगर बैठ गया दिमाग में तो आप करना भी शुरू करेंगे, और करना शुरू करेंगे तो हम और आप मिलकर शायद भारत को बदल लेंगे। तो वो ही काम करने के लिए आजादी बचाओ आंदोलन है, और इसी आजादी बचाओ आंदोलन में आप सब सहभाग करें, ऐसी मेरी विनम्र अपेक्षा है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर, हम मिलके करेंगे तो शायद। इसलिए ये आजादी बचाओ आंदोलन कोई राजनीतिक काम नहीं है, किसी पार्टी का काम नहीं है, किसी संगठन का काम नहीं है, पूरे देश के लोगों का काम है। तो हम सब पूरे देश के लोग मिलकर अगर इस काम को करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। इतना ही निवेदन मैं करना चाहता था, और इस काम को करने के लिए स्वदेशी अपनाना पहला सीढ़ी है, उस पर हम सब खड़े उतरें, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। तो मैं चाहता हूं ये कि आप यहां से जाएं तो एक संकल्प लेकर जाएं। तो मैं आपको एक संकल्प कराना चाहता हूं, हम सब मिलकर आज एक संकल्प करेंगे अपने राष्ट्र को भारतीयता के आधार पर पुनर्जीवित करने का, उसके लिए पहला कदम स्वदेशी अपनाने का। तो जो लोग चाहते हैं वो संकल्प के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मैं आपको इस स्वदेशी का संकल्प कराऊंगा। हम सब खड़े होकर आज देश के लिए एक संकल्प करेंगे, और मैं संकल्प के कुछ शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे उन शब्दों को दोहराएं। संकल्प जब करेंगे तो अपना दाहिना हाथ सामने करेंगे, उजवा हाथ सामने, और मेरे पीछे पीछे उसको बोलेंगे, बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। मेरी जितनी शक्ति है उसका प्रयोग करके मैं अन्य दूसरों को
इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा। अभी मैं कहूंगा भारत माता की, आप सब कहेंगे जय, तीन बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।